दिन होने के कारण जिनको
फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, एड़ियों में दर्द होता हो, एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होता हो, एड़ी पंजों के बीच में जलन होती हो, जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो, साइटिका का प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, उनके लिए सात प्रकार का जनरल है। प्लीज अटेंशन, आपको चलना है पर बिना घुटने बेंड किए, पैरों को मोड़ना नहीं है जैसे पैरों में लकड़ी डंडे बांध दिए हो, पैर बिल्कुल सीधे होंगे। जिनको साइटिका का प्रॉब्लम हो और घुटने में दर्द होता हो, उनके लिए पहला स्टेप बहुत ही बेटर होगा, यही पोज रहेगा। आपको चलना है प्लीज, पर बिना घुटने बेंड किए जैसे पैरों में लकड़ी डंडे बांध दिए चलेंगे सभी, बिल्कुल पैर घुटने बेंड नहीं करेंगे। जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो, साइटिका का प्रॉब्लम, मुड़ के जाएंगे पीछे, मुड़ीका का प्रॉब्लम हो, घुटने का प्रॉब्लम हो, उनके लिए पहला स्टेप बहुत ही बेटर होगा। वापस चल के आ जाएंगे, नहीं एड़ी पर नहीं चलना, अभी ऐसे ही चलना है बिना घुटने बेंड किए। बहुत अच्छा, हमारी पीछे की बैंड के बैंड हो रहा है, प्लीज अटेंशन। बिल्कुल घुटना बैंड नहीं होना चाहिए जैसे पैरों में लकड़ी डंडे बांध दिए हो, बिना घुटने मोड़ किए चलना है और शर्त एक ही है, इतनी जगह में 6-7 राउंड लगाना अति आवश्यक है। एक जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, पार्किंसन, पैरों में कंपाउंड होती हो, फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, उनके लिए सेकंड स्टेप बहुत ही बेटर होगा। ये वाला पोज पीछे से एरिया उठ जाएगी, पूरा बॉडी का वेट फिंगर्स पंजों के ऊपर आएगा, फिर आपको चलना है इस पोजीशन में। चलेंगे सभी, जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, पैरों में कंपाउंड होती हो, उनके लिए सेकंड स्टेप बहुत ही बेटर होगा, पर प्लीज पीछे से एरिया उठ जाएगी। इस पोज में देखेंगे पीछे से पूरे एरिया उठ जाएगी पंजों के बल पर, फिर आपको चलना है। भले इसमें घुटने बेंड कर सकते हो, पर पूरा बॉडी का वेट फिंगर पंजों को ऊपर ही आना चाहिए। जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, गठिया के प्रॉब्लम हो, पैरों में कंपावट होती हो, उनके लिए सेकंड स्टेप बहुत ही बेटर होगा। एक सप्ताह के अंदर आपके पैरों में पार्किंसन और फिंगर्स के प्रॉब्लम, गठिया के कंस्टिपेशन मीन्स कब्ज, उनके लिए बहुत ही बेटर स्टेप होगा थर्ड स्टेप। अब ध्यान देंगे प्लीज, सामने से दोनों पैर का पंजा उठ जाएगा, पूरा बॉडी का वेट एड़ियों के ऊपर आएगा, फिर आपको चलना है इस पोज में। जिनको एड़ियों में दर्द होता हो, चलेंगे सभी, जिनको एड़ियों में दर्द होता हो, कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, उनके लिए यह स्टेप बहुत ही बेटर होगा फोर्थ स्टेप। सामने से दोनों पैर का पंजा उठ जाएगा, पूरा बॉडी का वेट एड़ियों के ऊपर ही आना चाहिए आपका। और आगे तक जाएंगे सभी भाई और बहनें, भले ही घुटने बेंड कर सकते हैं इसमें, सामने से दोनों पैर का पंजा उठ जाएगा, पूरा बॉडी का वेट एड़ियों के ऊपर ही आना चाहिए। फिर चल के सभी अपनी अपनी जगह पर आएंगे। जिनको एड़ियों और पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होता है, बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम होता है एड़ी और पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी और पंजों के बीच में जलन होना, यहाँ पर बहुत सारे भाइयों को जलन भी होती है, हाथ खड़ा करेगा किसी को प्रॉब्लम हो तो। एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी पंजों के बीच में जलन होना, उनके लिए फोर्थ स्टेप राम बाण तुल्य रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं प्यारे भाई और बहनों, जो वेद और डॉक्टरों की बुद्धि से भी परे होते हैं, इनका कोई डिफरेंस नहीं होता है एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी पंजों के बीच में जलन होना, इनके लिए फोर्थ स्टेप बहुत ही बेटर होगा। ऐसे आमने सामने पंजे पसार लेंगे इस पोज में, आमने सामने पंजे पसार लेंगे, फिर आपको चलना है। आमने सामने पंजे पसार लेंगे फिर आपको चलना है। एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी और पंजों के बीच में जलन होना, उनके लिए फोर्थ स्टेप बहुत ही बेटर होगा। एक सप्ताह के अंदर ही अंदर इससे आप रिजल्ट ले सकते हो, बहुत ही वेरी गुड। आमने सामने पंजे पसार के आपको चलना है। जिनको एड़ी और पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होता हो, एड़ी और पंजों के बीच में जलन होती हो, उनके लिए
ये स्टेप बहुत ही बेटर होगा। पर प्लीज आमने सामने पंजे पसार के आपको इस फौज में चलना होगा, आमने सामने पंजे पसार के चलना होगा। बहुत अच्छा, वापस अभी चल के धीरे धीरे अपनी जगह में फाइव स्टेप की ओर। जिनको पिंडले के प्रॉब्लम हो, घुटने का प्रॉब्लम हो, साइटिका का प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस जिसको हम हिंदी में लकवा बोलते हैं, इनको पैरालिसिस तक हो जाता है, साइटिका के प्रॉब्लम, घुटने के प्रॉब्लम, पैरालिसिस के प्रॉब्लम को इसी एक्सरसाइज का आधार लेकर के पूरी तरह हमने कई आत्माओं को उस ऊपर वाले बार परमेश्वर ने निमित बनाकर ठीक करवाया है। तो हम चलते हैं सिक्स स्टेप की ओर। अभी तक आमने आमने सामने से पंजे पसार के चले थे, फाइव स्टेप में सिक्स स्टेप में इसे पंजा बेंड कर देंगे। इस पोज में ये पोज होगा, आप एक बार मेरे को देखेंगे, ये पोज पंजे को इसे बेंड करेंगे, ये वाला पोज। फिर आपको चलना है, पहला तनाव खिंचाव पड़ेगा अपनी जंगा के ऊपर, घुटने का प्रॉब्लम, साइटिका का प्रॉब्लम, पैरालिसिस का तक प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। प्लीज नहीं बेंड करेंगे तब खिंचाव पड़ेगा। और आपको मालूम है जिसको पैरालिसिस हो जाता है इसी पोजीशन में चलता है वो। बहुत पंजे को बेंड करो, पैर के पंजे को जैसे बेंड करेंगे भयंकर तनाव और खिंचाव पड़ेगा आपकी जंगा के ऊपर। इसे घुटने के प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, बेंड करके आपको चलना है। जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो, पिंडले के प्रॉब्लम हो, साइटिका का प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत ही बेटर होगा सिस्टम। वेरी गुड, आप सभी लुटाओ। अब हम चलते हैं जंपिंग एक्सरसाइज। जो बच्चे रोने रह जाते हैं, जिनकी लंबाई ना बढ़ती हो, उनके लिए बहुत ही सहायक होता है जंपिंग एक्सरसाइज। और प्यारे भाई और बहनों, वो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथ के पंजे में भी होता है, वो बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के फिंगर पंजों में भी होता है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी एक साथ आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा जंपिंग एक्सरसाइज करने से। जंगों से हार्ड टच, पीछे से एरिया उड़ जाएगी। अब आपको जंप लेना है ये वाला पोज, जितना जंप लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, मतलब अपनी क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे करेंगे। सभी कम कम करेंगे, प्रशिक्षण के रूप में है, बहुत ज्यादा करेंगे दर्द होना शुरू हो जाएगा, इसलिए ध्यान देंगे। प्रशिक्षण है, आपको धीरे धीरे बढ़ाना है इसको, घर में बहुत प्रैक्टिस करनी है। रुक जाइए, ध्यान देना प्लीज। दो तीन दिन आपको दर्द होगा, क्योंकि जब से आपकी बॉडी के सारे ज्वाइंट जाम हो रहे थे, अब ज्वाइंट खुलेंगे। किसी को तीन दिन भी दर्द होता है, किसी को दो चार दिन भी दर्द होगा, पर एक सप्ताह के बाद आपकी बिल्कुल लाइट बॉडी हो जाएगी, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे ज्वाइंट, किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होगा। पर एक दो तीन दिन तो आपको अगर ना होता हो, उनके लिए बहुत ही बेटर होता है क्रसिंग एक्सरसाइज। इसके बाद फिर मैं बैठने वाले सिंपल जनरल एक्सरसाइज कराऊंगा। चलो क्रसिंग एक्सरसाइज, एरिया उड़ जाएगी पंजों के बल पर, ये वाला पोज धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार प्लीज, ये वाला पोज एक साथ हाथ पैर दोनों को क्रॉस करेंगे, ये वाला पोज। बहुत अच्छा, जैसे हाथ क्रॉस हो रहे हैं इसी तरह से एक साथ हाथ और पैर दोनों को क्रॉस करेंगे, क्रसिंग एक्सरसाइज। अब सिंपल सिंपल की ओर ले चलता हूँ मैं आपको। जिनको पिंडलियों में दर्द होता हो, घुटने का प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम हो, कमर के प्रॉब्लम हो, शोल्डर के प्रॉब्लम हो, माइग्रेन के प्रॉब्लम हो, कलाई में पेन होने लगता है, 10-5 केजी वेट उठाते थे, इसके लिए अब हम चलते हैं सिंपल सिंपल बैठ के कराए जाने वाला जनरल एक्सरसाइज। इसे हम बोलते हैं डंडा। दोनों पैरों को लंबा कर लेंगे, दोनों हाथ पीठ के पीछे ले जाकर ऊपर टच कर लेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, कोई मेहनत नहीं, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज। आप छोटे बच्चे से लेकर, यूथ से लेकर, ओल्ड से लेकर,
हर आत्मा को करा के आप पूर्ण लाभ दिला सकते हो। और बाप दादा का गाना भी चल रहा है, अपनी स्थिति को एक रस बनाकर रखे, एड़ी अंगूठे आपस में टच, पहला स्टेप उंगलियों को टखनों तक मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, उनके लिए पहला स्टेप बहुत ही बेटर होगा, कोई मेहनत नहीं, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज, मेहनत कम फायदे ज्यादा, एड़ी अंगूठे आपस में टच कर खड़े को करने ही को। चलो मैं अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप, जिनको साइटिका का प्रॉब्लम हो, प्यारे भाई और बहनों साइटिका बड़ा खतरनाक रोग होता है, पीठ से लेकर के एड़ी तक पकड़ लेता है, साइटिका वालों के लिए सेकंड स्टेप बहुत ही बेटर होगा, एड़े अंगूठे आपस में टच, पंजन को आगे क्यों खींचे ताकत से, फिर पीछे खींचना है, पीछे ताकत लगाने की जरूरत, एड़े अंगूठे आपस में टच करके पंजन को ताकत से आगे की ओर खींचे, जितना ताकत से आगे की ओर खींचेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, साइटिका वालों के लिए बहुत ही बेटर स्टेप है सेकंड स्टेप, एड़ियां अंगूठे आपस में टच करके पंजन को ताकत से आगे की ओर खींचे, बहुत अच्छा, ये सेकंड स्टेप आपका पूरा हो चुका है। अब थर्ड स्टेप, एड़ियां अंगूठे आपस में टच, पंजन को आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, ऐसे से नहीं करेंगे, चक्र के रूप में वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, जिनको गठिया के प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द होता हो, जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होता हो, उनके लिए बहुत ही बेटर होगा थर्ड स्टेप, एड़े अंगूठे आपस में टच करके पंजन को ऐसे वृत्ताकार रूप में घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट भी ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छा, ओके, एक फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, एक एक पैर के पंजे को आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप से घुमाएंगे, एक एक पैर के पंजे को, जिनको गठिया का प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द होता हो, उनके लिए इसके भी बहुत ही बेटर होगा, एंटी क्लॉक वाइज अपोजिट भी ले लेंगे, हाँ पीछे के भाइयों आगे आ जाइए, आगे जगह है, आगे आ जाइए, एंटी क्लॉक वाइज, नेक्स्ट दूसरे पैर के पंजे को आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज, मेहनत कम फायदे ज्यादा, छोटे बच्चे से लेकर यूथ से लेकर ओल्ड से लेकर एंटी क्लॉक वाइज भी ले लेंगे, पर आत्मा को करा के आप पूर्ण लाभ दिला सकते हैं। चलो नेक्स्ट अगला पोल, अब दोनों पैर के पंजन को एक साथ आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, एक साथ दोनों पैर के पंजन को एक साथ आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, जिनको गठिया का प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द होता हो, जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होता हो, उनके लिए बेटर होगा, एंटी क्लॉक वाइज भी ले लेंगे, स्लो पोज, ओके, अगला स्टेप, एक फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, ये वाला पोजीशन, पंजे भूख पर टच, आपस में टच, बिल्कुल एरिया एकदम ये स्लो पोज में छोड़ के पंजे भूख पर टच करेंगे और आपस में पंजे टच होगा, कोई मेहनत नहीं, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज, मेहनत कम फायदे ज्यादा। चलो अगला स्टेप ले लेंगे, एड़े अंगूठे आपस में टच, पंजन को फैलाएंगे भू पर टच, आपस में टच, ये पोज भी ले लेंगे, भू पर टच करेंगे, पंजे भू पर टच और आपस में टच करेंगे, ओके, अगला स्टेप की ओर हम चलते हैं, जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो और पिंडलियां के प्रॉब्लम हो, घुटने का प्रॉब्लम हो और पिंडलियां के प्रॉब्लम हो, उनके लिए बच्चा एक्सरसाइज बहुत ही बेटर होता है, जो बचपन में इस एक्सरसाइज को आपने बहुत किया है, मैं तो सिर्फ प्यारे भाई और बहनों आपको स्मृति दिला रहा हूँ, बच्चा एक्सरसाइज जो बचपन में आप कर चुके हो, बहुत एक्सरसाइज की आपने बचपन में, इसे बोलते बच्चा एक्सरसाइज, बच्चा रोता है तब यही एक्सरसाइज करता है, एड़ी अंगूठे आपस में टच, ये वाला पोज,
घुटने और पिंडलियों के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे आपके। बहुत ही बेटर होता है बच्चा एक्सरसाइज। एड़े अंगूठे आपस में टच करके अपनी ओर खींच के आगे फेंकेंगे, बच्चा एक्सरसाइज। घुटने और पिंडलियों के सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे आपके। जाता है तो एक्सरसाइज को भी चेंज कर देता है, ये वाला कोई देखा होगा आपने सेकंड स्टेप। बच्चा जब ज्यादा रूठ जाता है तो एक्सरसाइज को भी चेंज कर देता है, ये घुटने पिंडले के सब प्रॉब्लम दूर होता है सेकंड स्टेप बच्चा एक्सरसाइज का। बहुत अच्छा, पर प्यारे बाबा के बल पर टेंशन लेते जाएंगे। अब हम चलते हैं बाल जंपिंग एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? बाल जंपिंग एक्सरसाइज। जैसे बच्चा बाल को खेलता है ना, इसे घुटने पिंडले के प्रॉब्लम तो दूर होना ही है, पर जिनको सीडो मस्कुलर एट्रोफी का प्रॉब्लम हो उनके लिए तो रामबाण तुल्य होगा। हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण बहुत सारी नसियां इकट्ठी हो जाती, गुच्छा बन जाता है, बहुत सारे हाइजनों के प्रॉब्लम हो जाता है, जिनको हम बोलते सीडो मस्कुलर एट्रोफी। एक मास सवा मास ये एक्सरसाइज करने से पूरी नसें भीतर कर पिंडलियां वापस लेन हो जाएगी। बाल जंपिंग एक्सरसाइज ये वाला कोड रियल में आपको ऐसा लगेगा जैसे बाल कोई मार रहे हो आप। घुटने और पिंडले के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। जिनको सीडो मस्कुलर एट्रोफी का प्रॉब्लम हो वो भी आपका दूर हो जाएगा। अगला स्टेप, धीरे धीरे राइट लेग को लेंगे, घुटने के यहां लाएंगे, फिर धीरे धीरे इसको यहां चढ़ाएंगे, क्रमवार बढ़ाते जाएंगे, घुटने को क्रॉस करेंगे स्लो पोज में, फिर एक गिर तो आपका ऐसे टच होने लग जाएगा। ये वाला पोजीशन, ये पोज, ये पोज धीरे धीरे। ये वाला पोज ओके, धीरे धीरे फिर लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ कर लाएंगे, जंगा के ऊपर रख लेंगे इस पोज में। जंगा और घुटनों के सारे प्रॉब्लम दूर किया जाता है इससे, आराम से बैठ जाएंगे। अब जंगा भू पर टच, जरूरी कि आज ही टच करें, जैसे आपकी बॉडी फिजिकल बनती जाएगी ऑटोमेटिकली टच होने लगेगा। जंगा और घुटनों के सारे प्रॉब्लम दूर किया जाता है इस स्टेप से। इस पैर को लंबा कर देंगे, अब राइट पैर के पंजे को पकड़कर धीरे से लाएंगे, जंगा के ऊपर रख लेंगे, फिर दोनों हाथ पीठ के पीछे भू पर टच, आराम से बैठ जाएंगे, फिर धीरे धीरे जंगा को फिर भू से सटाएंगे इस मोड में। जल्दी क्या आज ही टच हो, खुल जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। अगला स्टेप, फिर लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़कर जंगा पर रख लेंगे, पंजे में पंजा डालेंगे, जंगा को दबाएंगे, भूसे सटाएंगे, उठाते हुए चेस्ट से टच, ये पोज। जंगा और घुटनों के सारे प्रॉब्लम दूर, जिनका पेट बाहर आ रहा है इस स्टेप से पेट भी आपका अंदर जाएगा। धीरे धीरे कोई मेहनत नहीं, बड़ी सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करा रहा हूं मैं आपको पहला दिन होने के कारण। चलो नेक्स्ट, इसी तरह से राइट पैर के पंजे को पकड़ कर लाएंगे, जंगा ऊपर रख लेंगे, पंजे में पंजा डाल लेंगे, जंगा को दबाएंगे, भूसे सटाएंगे, उठाते हुए चेस्ट से टच करेंगे। जंगा और घुटनों के सारे प्रॉब्लम दूर, जिनका पेट भार आ रहा है इस सिस्टम से पेट भी आपका अंदर जाएगा। बहुत अच्छा, अगला स्टेप, लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ कर या जंगा पर रख लेंगे, पंजे यहां पर पकड़ लेंगे, पंजे को पकड़ कर वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, गठे के प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द होता हो, जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होता हो, जिनके पैरों में मोच आ जाती हो, ये सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे सभी, कोई मेहनत नहीं, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज, मेहनत कम फायदे जाए। ओके, अब हम
फिर राइट पैर के पंजे को पकड़कर फिर जंगा पर रख लेंगे, यहाँ पर पकड़ लेंगे, पंजे को पकड़कर फिर वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे ऐसे। जिनको गठिया के प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द होता हो, जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होता हो, जिनके पैरों में नोच आ जाती हो, ये सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज, मेहनत कम फायदे जाता है। एंटी क्लॉक वाइज, थैंक यू, एंटी क्लॉक वाइज ले लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। बहुत ही प्यारा होता है प्यारे भाइयों, पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। रीढ़ की हड्डी कमर के भी सारे प्रॉब्लम दूर, जिनका पेट साफ नहीं होता हो, कंस्टिपेशन के कारण आपकी आंतों में एक्स्ट्रा मल चिपक गया था, पेट साफ नहीं होता हो, मुश्किल से 10 मिनट भी आपको बाथरूम में नहीं लगेगा। पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज करने से रीढ़ की हड्डी कमर के भी सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। जब मैं इसी एक्सरसाइज को माउंट में डायमंड हॉल के पीछे में करा रहा था, न्यू डायमंड हाउस में काफी गेस्ट रुके हुए थे, जब मैं पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज करा रहा था, काफी भीड़ मची थी, काफी लोग आ चुके थे योगा में, मैंने कहा प्लीज जो स्नान करके नहीं आए हैं वो पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज ना करें। बोला आचार्य जी से क्या होता है? मैंने कहा पेट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे एक बाटल है, एक बाटल में कचरा है, आधा बाटल उसमें गर्म पानी भर देंगे, उसको जोर से खपोलेंगे तो क्या होगा, 2 मिनट के अंदर पूरा वो कचरा तरह सब छोड़ देंगे। तो इसी तरह से कंस्टिपेशन के कारण आपकी आंतों में एक्स्ट्रा मल चिपक जाता है, और मैंने कहा प्लीज जो कुनकुना पानी पी कर आया हो तो बिल्कुल पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज ना करें। बहुत सारे लोगों ने बोला आचार्य हम तो एक एक घंटा बाथरूम में परेशान होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला प्लीज जो स्नान करके नहीं आए हैं वो ना करें, वो जो कुनकुना पानी पीकर आया तो भूल से ना करें। नहीं सुना बंदों ने गर्म पानी भी पी गए थे, ठंडी के दिन थे, जैसे पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज करने लगे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ, इतने में भक्कड़ मच गए, कोई किधर भग रहा है, कोई किधर भग रहा है। इतना शानदार और जानदार रिजल्ट मिलेगा आपको पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। ऐसे बॉडी को उठा लेंगे इस पोज में, हाँ पानी पी के करना है, जिसका पेट साफ नहीं होता, कुनकुना पानी आधा एक गिलास, इस पोज में बॉडी को उठा लेंगे, ये पोज। धीरे धीरे करेंगे, है ना, फॉलो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इससे पेट का बेवाश ले रहे हैं आप सभी, इससे पेट का बेवाश होता है, कंस्टिपेशन के कारण आपकी आंतों में एक्स्ट्रा मल चिपक जाता है, मुश्किल से 2-5 मिनट के अंदर ही पेट आपका क्लियर होने लग जाए। इसको बोलते हैं पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। रीढ़ की हड्डी कमर के भी सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। अब हम चलते प्यारे भाई और बहनों नेक्स्ट मंथन चक्र एक्सरसाइज। अभी आपने पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज किया था, अब हम चलते हैं मंथन चक्र एक्सरसाइज। 2-3 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में। पहले हमारी बहनें हेल्दी क्यों रहती थी, घर में घी दूध होता था, बहनें मंथन करती थी। मंथन चक्र एक्सरसाइज करने से रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम दूर, कोलेस्ट्रॉल कमर की एक्स्ट्रा चर्बी से फिनिश हो जाती है। मंथन चक्र एक्सरसाइज ये वाला पोज। जिनको सर्वाइव करके प्रॉब्लम वो भी इससे दूर होगा। रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम दूर, कोलेस्ट्रॉल कमर की एक्स्ट्रा चर्बी से फिनिश होती है। पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज, वेरी गुड। कमर के पेट के सब प्रॉब्लम दूर किया जाता है, पंजे पंजे डालेंगे, ये वाला को चक्की एक्सरसाइज। जितना पीछे झुकेंगे उतना ही फायदा होगा, पर प्लीज इतना ज्यादा ना झुक जाए कि फिर आपको उतना ही मुश्किल हो जाए। धीरे धीरे चक्की एक्सरसाइज, एंटी क्लॉकवाइज मिलेंगे, दोनों तरफ से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मिलेंगे, वेरी गुड।
बहुत अच्छा। अब बैठ जाएंगे सुख आसन में, आल की पालकी लगाकर बैठ जाएंगे सुख आसन। अब हम चलते हैं कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज। आजकल तो हमारे साइंस के युग में हमारी देने की एक्सरसाइज भी बंद करवा दी है। नेक्स्ट, कपड़े धुलाई के लिए वॉशिंग मशीन निकल गई है, अब तो रोल भी फिनिश हो गया है, तो ओरिजिनल नहीं तो आर्टिफिशियल कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज कर लेंगे। प्यारे भाई और बहनों, कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज से रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल कमर की एक्स्ट्रा चर्बी से फिनिश होती है। सुख आसन में बैठकर बॉडी को लेफ्ट और राइट तरफ मोड़ करते हुए नासिका भुसे टच करेंगे ये वाला को। जरूरी क्या है कि टच हो, पर अपने दिल से पूछे बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। भयंकर पीठ के ऊपर तनाव और खिंचाव पड़ रहा होगा, रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम दूर होता है। कोलेस्ट्रॉल कमर की एक्स्ट्रा चर्बी से फिनिश होती है। एक्सरसाइज का नाम है कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। काफी हमारी बहनों का अच्छा हो रहा है, कईयों का टच भी हो रहा है, पर धीरे धीरे चर्बी को जारी रखे। रियल में कोलेस्ट्रॉल कमर की एक्स्ट्रा चर्बी आपकी फिनिश हो जाएगी, कमर के प्रॉब्लम कभी नहीं होंगे आपको। फिर हमारे भाई और बहने बैठ जाएंगे दंडासन में, पैरों को लंबा करके बैठ जाएंगे दंडासन में। पोज वही रहेगा, पंजे को नहीं गिराना है, पोज वही रहेगा ना। बहुत अच्छा भाई, होते बहुत उदासन। गाय का दूध आप धोते हैं ना, यही पोज होता है, गोद दूध आसन। ये वाला आपको पोज खींचते जाएंगे, इन्हें उठी बैठ जाएंगे इस पोज में, गोद दूध आसन। बहुत अच्छा, सिंपल गोद दूध आसन। अब गोद दूध आसन के पश्चात हाथों को पीछे ले जाएंगे, आराम से बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। एड़े अंगूठे आपस में टच कर लेंगे और घुटने भी टच कर लेंगे। घुटने टच होने के पश्चात फिर नीचे पसर कर बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाए, उठे नहीं रहे, नीचे पत्थर पे बैठ जाएंगे। ये वाला पोज पीठ और पेट के लिए बहुत ही बेटर स्टेप होता है। ये वाला पंजे पर पंजे चढ़ा होगा, घुटनों से घुटनों टच होगा, पीठ और पेट के लिए बहुत ही बेटर स्टेप, साइटिका वालों के लिए बहुत ही बेटर होगा। एक पैर खड़ा रहेगा, एक पैर के घुटने को मोड़, पैर के पंजे को छुएंगे क्रमवार। ये वाला पोज, ये पोज एक पैर खड़ा रहेगा, एक पैर के घुटने को मोड़कर पैर के पंजे को छुएंगे क्रमवार। तो ज्यादा खिंचा दूंगा तो कल सब पहलवान बन जाओ। ये तीनों दिन चलेगा जनरल एक्सरसाइज, क्योंकि हमेशा आप लोगों को करना इजी हो जाएगा। आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, इससे परिवार के सभी लोगों को जरूर लेकर आएंगे कल से। शाम को भी सेम टू सेम चलेगा। प्लीज अटेंशन, मैं शाम को सिर्फ रिपीट कराऊंगा, नई चीज ऐड कराऊंगा, शार्ट में कराऊंगा। आपको इतना टाइम शाम को नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे नई चीजें भी ऐड करना है। मैं सिर्फ रिपीट कराऊंगा आपको शार्ट में, ताकि आए वो भी सीख जाए। जो अभी मैं टाइम ले रहा हूँ, इतना टाइम शाम को नहीं दूंगा, मुझे और नीचे और शार्ट में करा दूंगा, क्योंकि नई चीजें और भी ऐड करना पड़ेगा मेरे। अब हम चलते हैं अगला स्टेप की ओर। अब हम चलते हैं प्यारे भाइयों भू प्रणाम। भू प्रणाम की तीन स्टेप होती है। भू प्रणाम तीन स्टेप के द्वारा रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम, कमर के प्रॉब्लम, कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम, पेट भार आना, गठिया जोड़ों का दर्द, एक नहीं अनेक रोगों के लिए रामबाण तुल्य होगा भू प्रणाम पद्म। पर आप राज योगी हो, हट योगी नहीं हो। अगर प्रॉब्लम आ रहा है छोड़ दीजिए, जितना कीजिए। पीछे का दोनों भाइयों का बेटा हो रहा, सामने हमारे बहुत सारे भाइयों का हो गया। करत करत अभ्यास के जड़ में बहुत सुजान, रस्सी आओ देखकर पत्थर पर पड़े निशान। अभ्यास ऐसी चीज है प्यारे भाइयों, असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं है, निश्चित आकार पोजिशन।
एक मिनट के लिए स्वयं को हमें उस ज्ञान सूर्य परमात्मा की छत्र छाया के नीचे महसूस करेंगे, उस सर्वशक्तिवान पिता से सर्व शक्ति लेकर के पूरे विश्व की आत्माओं को साकार ब्लेसिंग देते रहेंगे। भू प्रणाम का पहला स्टेप, नमस्कार पोजीशन। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई पकड़ेंगे, बहुत अच्छा, पर प्लीज छोड़ देंगे, कमर के पीछे ले जाकर पकड़ेंगे, ऐसे दबाएंगे क्रिकेट या किसी भी हो जाएगी। फिर लंबी गहरी श्वास लेंगे, स्लो पोज में श्वासों को छोड़ते हुए झुकते हुए नासिक का और कपाल ऊपर टच करेंगे। सेकंड स्टेप, धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार फिर करेंगे सेकंड स्टेप, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई पकड़ेंगे, पतली छोड़ देंगे, कमर के पीछे ले जाकर एक पकड़ना है, ऐसे दबाएंगे तो इंटरेस्टिंग आपकी सीधी हो जाएगी। फिर लंबे गहरी श्वास लेंगे, स्लो पोज में श्वासों को छोड़ते हुए झुकते हुए कमर कपाल ऊपर टच करेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जैसे डॉक्टर के पास जाकर सारी फोन खोल देगा, इसीलिए कहा है जितना जीत का टेस्ट उतना पेट में वेस्ट, बीमारी बनेगी गेस्ट, डॉक्टर करेंगे टेस्ट, मनी होगी बेस्ट। इसीलिए कहा है जितना स्वादिष्ट व्यंजनों का खाने का मजा, जितना स्वादिष्ट व्यंजनों का खाने का मजा, उतना ही पेट को पचाने की सजा। तो प्यारे भाई और बहनों, इसको हमने क्या बना दिया है, डस्टबिन बना दिया है, खट्टा भी डाल लिया, मीठा भी डाल लिया, ये भी डाल लिया, वो भी डाल लिया, फिर कहते हैं तो मेरा पेट खराब हो गया। जरा दिल से पूछो, पेट खराब है कि हाथ खराब है, और दोस्ती किसको ठहराते हो, आज तो मेरा पेट खराब हो गया है। इसीलिए कहा है पेट बड़ा दिमाग घटा, पेट बड़ा दिमाग घटा, और पेट घटा दिमाग बड़ा। इंग्लिश के तीन शब्दों से मिलकर नीड बना, एम ई डी या एम करते मेडिटेशन, जो आपको यहां पर सिखाया जाए, एम करते मेडिटेशन, ई करते एक्सरसाइज, और डी करते डाइटिंग। अगर हम तीन चीज को फॉलो करेंगे तो अपने साथ आसन में समाया हुआ है, हमारी बहनों को 84 आसन करने की जरूरत नहीं है, और न इतना टाइम है आपके पास के लगातार कंटिन्यू करते रहोगे। सिर्फ 84 आसनों में से मैंने सिलेक्टेड आसन हमारी बहनों के लिए सिलेक्ट कराया है। 84 आसनों में से 5 आसन बहनों के लिए है और 7 आसन भाइयों के, पर कुछ आसन हमारी बहनें नहीं कर सकती है, इसलिए मैंने उनके लिए सिलेक्टेड कराया। अगर आप कर सकते हो तो बहुत गुड लक, अच्छी बात है। अब मैं ले चलता हूं आपको भाइयों की ओर, पहले तो आसन करेंगे भाइयों, हमारी बहनें भाई सब बैठ जाए, बैठ जाएंगे भाइयों के लिए। अब हम चलते हैं सिलेक्टेड आसन, 7 आसन, 84 आसनों का बेनिफिट लेने के लिए। शुरुआत करते हैं हम ब्रह्मचारी आसन। कौन सा आसन? ब्रह्मचारी आसन। एक जगह मेरा प्रोग्राम था, वहां पर मैं ब्रह्मचारी आसन कराने लगा, सारे भाई स्टॉप हो गए, बोला आचार्य जी बुरा माना नहीं मानना, हम इस आसन को नहीं करेंगे। क्या हो गया बंधु? बोला हमें ब्रह्मचारी नहीं बनना। मैंने कहा
ब्रह्मचारी आसन के पहले फायदे सुन लीजिए, आप करो ना करो कि आपको ब्रह्मचारी नहीं बनाएगा, पर पहले फायदे तो सुन लीजिए। ब्रह्मचारी आसन करने से कुमार को जीवन में कभी भी प्रमेय का प्रॉब्लम नहीं होगा, सुपर दोष का प्रॉब्लम नहीं होगा, धातुओं का प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे वीर और भ्रामी होता है। भोगियों का वीर नीचे की ओर जाता है, योगियों का वीर ऊपर की ओर जाता है। और आपकी बॉडी का स्टेमिना बनाकर रखेगा, बॉडी में टू मच ऊर्जा कलेक्ट हो जाएगी ब्रह्मचारी आसन करने से, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो नशा चढ़ गया फिर कर ले, मुझे कहा जरूर कीजिए। आप ऐसा मत सोचना जो भोजन सोच के बैठे हो ब्रह्मचारी आसन नहीं करते। एक ही आसन ऐसा है जो भोजन के उपरांत किया जाता है, इसे बोलते हैं मजरा। भोजन करने के बाद मिनिमम 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट इस आसन में बैठने से जगह आने आपकी दूर होती है, कंस्टिपेशन के प्रॉब्लम दूर होते हैं, पानी को वज्र तुल्य बना देता है वज्र। तो अब हम चलते हैं ब्रह्मचारी आसन। राइट पैर के पंजे को पकड़कर इसे सीधा मोड़ लेंगे, बिल्कुल सीधा। फिर लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़कर बिल्कुल पंजे से सीधा मोड़ लेंगे, एरिया के ऊपर बैठ जाएंगे। यह है ब्रह्मचारी आसन। राइट पैर के पंजे को पकड़कर बिल्कुल सीधा कर लीजिए, फिर लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़कर बिल्कुल सीधा कर लीजिए, एरिया को ऊपर बैठ जाइए, जंगे आपस में टाइट। ब्रह्मचारी आसन ये भोजों का प्यारे भाई और बहनों, आप कीजिए, इसमें तो मजा आ जाएगा आपको। नाम उसका ब्रह्मचारी आसन। जब मैंने मेरे आचार्य के द्वारा शिक्षा दिया था, मैं अधिकतर इसी में बेटा मिलता था, बोलता बंदा जब देखता तो ब्रह्मचारी आसन में बैठता है, इससे मुझे बहुत सुकून मिलता था और प्योरिटी में भी काफी बल मिला था इस आसन को करने। यह है ब्रह्मचारी आसन। एक आसन और कराऊंगा मैं आपको, अपनी सारी कर्मियों को समेट लेता है। योगी की कर्मियां कभी भी चलायमान नहीं हो सकती है। कछु आसन करने से बंदे फिर रुक गए। योग आसन सीखने के लिए आए थे वापस स्टार्ट हो गए, बोला हम इसको भी छोड़ेंगे। मैंने कहा कछु आसन करने से कछु अपनी सारी कर्मियों को समेट लेता है, इसी तरह से योग की कर्मिंद्रिया कभी चलायमान नहीं हो सकती कछु आसन करने से, पर इसको रेगुलर करना पड़ेगा तब है। नेक्स्ट दूसरा फायदा होगा, इंद्रियों के प्रॉब्लम, घुटने के प्रॉब्लम, साइकिका का प्रॉब्लम, पेट भार आना, काय के प्रॉब्लम, पार्किंसन का प्रॉब्लम, एक नहीं अनेक रोगों के लिए राम बाण तुल्य रहेगा कछुआ चाल आसन। भाइयों के देख लेंगे कौन होगा, यहां कैसे निकालेंगे, यहां पर यहां भी निकालेंगे ऐसे यहां पर, और फसल के बैठ जाएंगे आराम से, फसल के बैठ जाएंगे कछुआ चाल आसन। चलो मैच कीजिए कछुआ चाल आसन, पीछे फसल जाइए इस बॉल में नहीं भाई। हाँ तो हम निकालो निकालो जंगल के यहां से, हाँ यहां से निकाल दीजिए, कैसे उठ के आपको ही निकाल दीजिए, निकालो या लाओ पंजा बना लो, लाओ आगे खींच के और लाओ खींच के, पर बदल जाइए झुक जाइए। अब चलिए तो फिर भी ठीक है ओके, अरे सर तो नहीं देखना मेरे भाव। हाँ तो हम निकाल दीजिए, देखो ये बोल ये वाला बोल ऐसे हाथ लाइए हो जाइए, बहुत अच्छा वेरी गुड। अब हम चलते हैं बहनों के लिए, हमारे भाइयों के द्वासन पूरे हो चुके हैं, अब हमारी बहनों के चलेंगे द्वासन, बहनों के पश्चात फिर भाई तैयार रहे, आपका नंबर भी आगे आने वाला है। हमारी बहनों के लिए मकरासन और मरकटासन,
से मरकटा आसन मीन से धरा के सभी रोगों को मार डालता है। नाम है उसका मरकटा आसन, बहनों के आसन। एक ने अनेक रोगों के लिए रामबाण तुल्य रहेगा मरकटा, मिर्च सभी रोगों को मार डालता है। चार स्टेप होती है। बेलासन हमारी बहनों के लिए मकर आसन, भाई भी कर सकते हैं। भाइयों के पैर उधर होंगे, मुंह मेरी ओर होगा। हमारी बहनों के पैर उधर होंगे, मुंह इधर होगा। आ जाइए मरकटा ले जाएंगे। बहनों के पैर उधर होगा, मुंह इधर हो। भाइयों के पैर पीछे होगा, मुंह मेरी तरफ होगा। भाइयों का मुंह मेरी तरफ हो। बहुत अच्छा, ओके। कोने को बांध लीजिए, दाढ़ी से टच कर दे। जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो, साइटिंग का प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम हो, एक भी बहुत सारा बेनिफिट दिलाएगा आपको। ना करा सर, पहला स्टेप, एक एक पैर को मोड़कर अपने नितंब से टच करो, टच करो, नितंब से टच करो। एक एक पैर को आसन का नाम है मकर आसन। ये पहला स्टेप आपका चल रहा है। ओके, सेकंड स्टेप पैरों को लंबा कर लेंगे। सेकंड स्टेप, अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके अपने नितंब से टच करेंगे। सेकंड स्टेप, अपने ही नितंब से एक साथ टच करेंगे। सेकंड स्टेप मकर आसन का, घुटनों के प्रॉब्लम, साइटिका के प्रॉब्लम, गठिया के प्रॉब्लम, एक भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आपको। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, हाथ का पंजा नीचे रख लेंगे, पंजे के ऊपर पंजा रख लेंगे, डायरेक्ट टच। पैरों को मोड़ लेंगे हाफ इस पोजिशन, पैरों को मोड़ कर भूखो छोड़ लेंगे अपोजिट ईयर फॉरवर्ड। पंजे घुटने टच करो, एक अंगूठे आपस में टच, घुटने भी टच। वेरी गुड, ये तीन स्टेप आपका पूरा हो चुका। जब नेक्स्ट धरा के सभी रोगों को मार डालता है मरकटासन, जो साड़ी पहन रखी है और हमारी बहनों के लिए होमवर्क है, तो जब सलवार सूट पहन रखे वो बहने यहां करेंगे। इसमें से मैं कुछ भाइयों को भी बुलाता हूं, पांच भाई और पांच बहने में बुलाऊंगा, वो करेंगे। बाकी सब सीखेंगे, भले आप कर भी सकते पर इनको फॉलो करेंगे। पहला उठ के आएंगे योगा मास्टर, कौन सी जगह है, भालू भालू की बहन योगा मास्टर, योगा नहीं जाए। एक आपके पास ले जाए की लाइन में चलाए, वही बहने करेंगे जो सलवार सूट पहन कर आए हैं। हालांकि देखेंगे पर जो सारी बलेट है वो हमारी बहनों के लिए होमवर्क के रूम में जाके प्लीज जरूर करना है आपको। थोड़ा सा नीचे, एक दूसरे से हमारा आता है, नीचे 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 बैठ है, नीचे जाइए, आगे आ जाइए। चलो नेक्स्ट, हाथों को शोल्डर की लाइन में फैलाएंगे। मरकटा आसन का पहला स्टेप, पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। वेरी गुड, एरे अंगूठे आपस में टच, घुटने भी टच कर लेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, घुटने भी टच, हाथ शोल्डर की लाइन में, पैरों को थोड़ा और खींच लीजिए अपने नितंब की ओर, फैलाएंगे नहीं, हाथ शोल्डर की लाइन में। पहला स्टेप, घुटने को मोड़ कर भूखो छुएंगे ऐसे, नेक अपोजिट, नेक उधर देखेंगे, उधर देखेंगे, इधर आएगा, घुटने को बेंड इधर करेंगे, भूपट टच, पंजे पर पंजे चढ़ा होगा, घुटनों से घुटना टच होगा। प्लीज अटेंशन, बहुत अच्छा, नेक अपोजिट, अटेंशन, घुटनों से घुटना टच होगा, पंजे पर पंजा चढ़ा हुआ होगा। पहला स्टेप मरकटा आसन का, बहुत अच्छा, वेरी गुड, पहला स्टेप मरकटा आसन का, टच रखो, एक अंगूठे टच, घुटने भी टच, पैरों को फैला करने लगेंगे, टच रखते ही ये पोज, ये वाला पोज, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, सेकंड स्टेप, पैरों को लंबा कर लेंगे। सेकंड स्टेप मरकटासन का,
पहला स्टेप आपका पूरा हो चुका है, सेकंड स्टेप हाथों को शोल्डर की लाइन में फैलाएंगे, चले राइट, बहुत बेटर। नेक अपोजिट नहीं कर रहे ना, नेक अपोजिट वो इसके बाद आएगा, बिल्कुल राइट पर, नेक इधर, नेक इधर देखेंगे, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा। घुटना बिल्कुल सीधा, डरना नहीं, टूटेगा तो हथियार जोड़ देंगे, ये डरने की बात बिल्कुल नहीं है। सेकंड पोज मरकटासन का, वेरी गुड, ओके, उधर देखेंगे, नेक से उधर, बहुत अच्छा, और सीधा, बिल्कुल गुड, थैंक यू, बिल्कुल राइट। और लाइए इसको ऊपर खींच के, पकड़ेंगे अंगूठे को, वेरी गुड, देख उधर, ओके, फर्स्ट क्लास, गुड, बिल्कुल सीधा हो गए। चलो अब वापस फिर लौटा करेंगे, ऊपर से लाते हुए 90 डिग्री से पैर घुटना टच, ऊपर से पैर को लाएंगे, नीचे लाते हुए वापस घुटना रख लेंगे पैर को, दोनों पैर लंबा। अब हम चलते हैं इस पैर के ऊपर, वो पैरों को चेंज कर लेंगे, अब दूसरे पैर को उठाइए धीरे धीरे 90 डिग्री उठा लीजिए, पैर को मोड़ दीजिए दूसरे हाथ की तरफ, हाथ के पंजे से अंगूठे को पकड़ने में अपोजिट, बहुत बेटर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मरकटासन एक नियमित लोगों के लिए रामबाण तुले प्यारे भाई और बहनों, मरकटासन उधर देखेंगे, कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा, पहले दिन में इतना करना कम बात नहीं है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक्स। फिर पैर को छोड़ दीजिए, ऊपर से लाएंगे धीरे धीरे नीचे, मरकटासन का पहला स्टेप उठाएंगे 90 डिग्री, फिर मोड़ देंगे राइट की ओर, या किसी पे ले लीजिए, इधर मोड़ देंगे पैरों को, अंगूठे को पकड़ लेंगे, नेक अपोजिट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये फोर्थ स्टेप है आपका, धीरे धीरे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ओके, हो गया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, फोर्थ स्टेप, फिर पैरों को उठाकर 90 डिग्री लाकर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, फिर ऊपर टच कर लेंगे, ऊपर टच कर लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स, पैरों को छोड़ देंगे, लाओ लंबा कर लीजिए पैरों को वापस, आइए नीचे, रिलैक्स। अब हम चलते हैं रिलैक्स लेने के बशर्त, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, दूसरे हाथ की ओर ले जाएंगे, जिधर नहीं कमर की ओर, देह और देह की दुनिया से कुछ क्षणों के लिए आपको उपराम होना होगा, और कहां जाएंगे, मन बुद्धि के द्वारा अपने पार ब्रह्म सभी करेंगे, परमेश्वर प्यारे पिता के पास, सब सब आसन में चले जाएंगे, जो भी बैठे सभी सब, बहुत रिलैक्सेशन, ये बहुत ही आराम मिलेगा, सभी करेंगे, हाथ के पंजे आकाश की ओर खुले होंगे, कमर की ओर दोनों हाथ होंगे, हाथ के पंजे खुले होंगे, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स, एकदम डिटेच हो जाएंगे, बॉडी से उपराम हो जाएंगे, और अभी हमारी अतीश ने, आदरणीय दीदी, आपको ड्रिल कराएगी कमेंट्री, आपको विजन तैयार करना होगा, इसके पश्चात स्वाहा का परिचय दिया जाएगा, दोनों हाथ कमर की ओर होगा, हाथ के पंजे खुले, हथेली आकाश की ओर होंगी, पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स। अब हम सुनेंगे कमेंट्री, कमेंट्री, ओके, रिलैक्स, तो मन और बुद्धि के द्वारा हमें देह और देह की दुनिया से उपराम होना होगा, आप सब सुनते जाएंगे, मुझसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक विजन तैयार करेंगे, मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा राजा इस देह में दुकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, मैं रति हूं, यह मेरा रथ है, मैं रथ नहीं हूं, मैं तो इस रथ को चलाने वाली चैतन्य शक्ति अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं आत्मा आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली,
कानों द्वारा सुनने वाली, कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य करने वाली एक चैतन्य शक्ति है। मैं आत्मा राजा अपने अकाल तक द्रौपदी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा राजा अब अपने देह और देह के सर्व संबंधियों से मन और बुद्धि के द्वारा इस देह और देह की दुनिया से उपरांत होती जा रही हूं, उपरांत होती जा रही हूं। मेरे दोनों पैर एकदम शांत और शीतल होते जा रहे हैं, शांत और शीतल होते जा रहे हैं। मैं आत्मा राजा इस शरीर से धीरे धीरे डिटेच होती जा रही हूं, उपराम होती जा रही हूं। मेरे दोनों पैर धीरे धीरे एकदम शांत हो गए हैं, शीतल हो गए हैं, लोप हो गए हैं। रोई की मुआफे एकदम हल्की होती जा रही है। मैं आत्मा राजा अब अपने दोनों हाथ और धर के बारे में ही जागृत हूं। धीरे धीरे मेरे दोनों हाथ एकदम शांत और शीतल होते जा रहे हैं, रोई के मुआफिक हल्के होते जा रहे हैं। ऊपर करोट लेंगे, ले अपना उल्टे हाथ ऊपर करोट लेना है, करोट लेके आपको उठना, डायरेक्ट नहीं उठना है। लेफ्ट हाथ ऊपर करोट ले लीजिए, हाँ उल्टे हाथ के ऊपर, उल्टे हाथ के ऊपर करोट लेते हुए उठ जाए, धीरे धीरे उठ जाइए, करोट लेके बैठ जाइए। तो भाइयों के पूरे हो चुके हैं, अब हम चलते हैं भाइयों के दो आसनों की ओर। इसके पश्चात आता है भाइयों के लिए हनुमान पवन मुक्त आसन और लक्ष्मण आसन, ये दो आसन भाइयों के। फिर हमारी बहने रेडी तैयार है, फिर आपका स्वपरिचय कराया जाएगा आज। तो दो आसन भाइयों के लिए, पहला आसन है भाइयों के लिए हनुमान पवन मुक्त आसन, इस फौज में आ जाएंगे, ले जाएंगे हनुमान पवन मुक्त आसन। हमारे सब भाइयों को मालूम है हनुमान लंका में गया था, पैदल चल के नहीं गया था। कैसे गया था हनुमान? उसका नाम ही पवन पुत्र हनुमान। क्या नाम है? पवन पुत्र। हवा में उड़कर गया था हनुमान, इससे बेटे घुटनों के प्रॉब्लम भी दूर होंगे। जिनका पेट भार आ रहा है, पेट भी आपका फिर से सटने लग जाएगा, एक नहीं अनेक रोगों के लिए भी हितकारी होगा, रोगों से भी मुक्ति दिलाएगा और नया रक्त संचार होगा और बॉडी के अंदर स्टेमिना बढ़ेगा और एक टीम फुर्तीली बॉडी आपकी बन जाएगी। हनुमान पवन मुक्त आसन बहुत ही प्यारा आसन है प्यारे भाई। यह बहुत ज्यादा हनुमान पवन मुक्त आसन का दिन में यह पोज। बहुत अच्छा, पूरी बॉडी का वेटा कबूतर से पेट के ऊपर आ जाएगा, हनुमान पवन मुक्त आसन। बहुत अच्छा, हाथ क्रॉसिंग रूप में जाएगा, पैरों को निशान साथ बेंड करते जाएंगे, हनुमान पवन मुक्त आसन। गजब घुटनों के प्रॉब्लम भी आपके छूमंत हो जाएंगे, हमारी बॉडी का स्टेट ना बढ़ेगा और पेट का बिल्कुल आपका पीछे सटने लग जाएगा, हनुमान पवन मुक्त आसन। ये पोज क्रॉसिंग रूप में आपका हाथ जाएगा और होगा लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है? वेरी गुड, लक्ष्मी नारायण बना। लक्ष्य और मन, इस मन को लगा दो अपने लक्ष्य के ऊपर, लक्ष्य मन। रावण का कहना था, इंद्रजीत का कहना था, मेरा वध वही कर सकता है
इंद्रजीत वही बन सकता है प्यारे भाई और बहनों, इंद्रजीत। इसे इंद्रजीत का कहना था इंद्रजीत हो तो आपको इंद्रजीत भी बनाएगा और अपने लक्ष्य और भी बढ़ाएगा। बहुत ही प्यारा आसन होता है लक्ष्मण आसन। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि राम सीता आराम से रेस्ट करते थे, लक्ष्मण 14 वर्ष तक एक दिन भी नाइट को नहीं सोया है, वो बॉडी गार्ड बन के पूरी नाइट ही खड़ा रहता था। और इस आसन से नींद ध्यान की शुभ मंत्र हो जाएगी, बॉडी का स्टेमिना बढ़ेगा, मेमोरी शक्ति पावरफुल हो जाएगी और एक दिन बहुत सारा बेनिफिट दिलाने के लिए बहुत ही प्यारा आसन होता है लक्ष्मण आसन। चलेंगे लक्ष्मण आसन की ओर, एक पैर पीछे एक पैर आगे, ये पांच, एक पैर पीछे, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आगे का पैर बेंड कर लेंगे इस पोज में। सावधान जैसे कोई निशाना साध रहा है ये वाला पोज, ये फुल ताकत से आगे की ओर खींच के रखेंगे लक्ष्मण आसन, फुल जितनी ऊर्जा ताकत से खींच के रखेंगे जैसे जल में साधक बाण मार रहा लक्ष्मण आसन। जय वेरी गुड। पर ऐसे खड़े नहीं रहना भाइयों, भले घंटे तक खड़े रहो कुछ नहीं होना है, जितनी भी आपके पास में ऊर्जा शक्ति है फुल ताकत से आपको बॉडी को खींचना होगा। एक मिनट से तीन मिनट के अंदर ही आपकी बॉडी के अंदर कंपन महसूस होने लग जाती है, फिर इसको चेंज करते हैं। इसका अंदर आसन बहुत ही प्यारे आसन है, एक नहीं अनेक रोगों के लिए शिव मंत्र कराने के लिए हमारी बहनों के लिए। आपको इस पोज में नहीं करना है, प्लीज नहीं करना किसी भाई और बहन को, आराम से लेट जाइए, लेट जाएगी हमारी बहनें हाथ के पंजे से उल्टा मोड़ लेंगी, ऐसे उल्टा पैरों को मोड़ लेंगे, फिर बॉडी को ऐसे उठाना है, आराम से होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेट जाइए, हाथ के पंजे उल्टे होंगे, उठा दीजिए बॉडी को, वेरी वेरी थैंक्स, बहुत अच्छा, उठाइए करो कोशिश, भाइयों का तो बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ बहने हमारे भी कर पा रही है, बहुत अच्छा, देखो इस पेन का बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा औरत होता है इस्कंद्रा आसन। इसीलिए कहा है इशारे में समझ जाता है वो देवताएं हैं, कहने से समझ जाता है वो इंसान है, तो जो कहने से भी नहीं समझता है मैं आगे नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट इस्कंद्रा आसन हमारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए भी है, इस पोज में हमारी बहनें थाई लेट जाएगी। इस्कंद्रा आसन पैरों को मोड़ लेंगे, यहां पर पकड़ लेंगे, ये पोज़ पकड़ लेंगे, फिर बॉडी को उठाना, इस्कंद्रा आसन लंबी गहरी सांस लेते हुए, गुड, बहुत अच्छा, उठा दीजिए बॉडी को, एरिया नहीं उठेगी, एरिया नहीं उठाना है आपको, बॉडी को उठाना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेटर, काफी भय बेरा का बहुत अच्छा हो रहा है इस्कंद्रा आसन। ओके, काफी भय बेरा का सबका टीचर बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, वेरी गुड, बेटर है सबका। नेक्स्ट अगले आसन में आ जाइए, बैठ जाइए, लास्ट आखिरी आसन हमारी बहनों का पार्वती आसन। कौन सा आसन? पार्वती आसन। सभी खड़े हो जाएंगे, पास सब आत्मरूपी पार्वती और शिव की पटरानियां हैं। अब हम चलते हैं पार्वती आसन, इसे एकाग्रता बढ़ेगी, प्यूरिटी बढ़ेगी और बहुत सारी ऊर्जा भी आपकी कलेक्ट हो जाएगी पार्वती आसन करने से। नेक्स्ट लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़कर लाएंगे, जंगा के ऊपर ऐसे रख लेंगे,
दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में, पार्वती आसन, ये पोज पार्वती आसन। हमारी पार्वती तो आधा मिनट में घूमने लग गई है, बिचारी पार्वती को घंटा अच्छा करती थी, हो जाएगा बहुत अच्छा। इतना स्थिर एकाग्रता बढ़ाना बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड भाइयों का भी बहुत अच्छा हो रहा है। पार्वती आसन सभी पार्वती का तो नंबर वन हो रहा है, बहुत अच्छा। प्यारी बहनों जी का पूरक साथी है वृक्ष आसन। वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ कभी झुकता नहीं है, 80 से हो जाओ तभी आपको खुबड़ नहीं आएगी वृक्ष आसन करने से। वृक्षासन पेड़ कभी झुकता नहीं, हाथ के पंजे ऊपर की ओर खींचेंगे वृक्षासन, बहुत अच्छा। फिर पेड़ को पकड़ पेड़ को नीचे उतार लीजिए, फिर अब दूसरे पेड़ के ऊपर भी हमें चलना है, हनुमान ध्वज। ओके हनुमान ध्वज की ओर चलेंगे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, इस पोज में आ जाएंगे, बहुत बढ़िया वेरी गुड। हनुमान ध्वज हाथ नमस्कार पोजिशन, ये वाला पोज। बहुत अच्छा, हाथों को खींचेंगे, देखा होगा हनुमान पोज यही होता है, बेंड करते जाएंगे, चेंज, बहुत अच्छा वेरी गुड। कृपया घुटनों के प्रार्थन भी जो है बहुत सारा एक्सट्रीम ना बनेगा आपका, बहुत ही बेटर होता है हनुमान ध्वज। एक आसन और करा देता हूं भाइयों, तो रिश्ते ये वाला पोज वीरभद्र आसन, गुड। ये पोज जैसे कोई बोले व्यक्ति खा एक पैर सीधा एक पैर इस पोज में रहेगा, वीरभद्र आसन, कोई देखे ऐसा लगे कोई बोला व्यक्ति ही खड़ा हो, वीरभद्र आसन प्लीज ध्यान देंगे। ये घुटना बिल्कुल सीधा होगा, ऐसे नहीं झुकेंगे, बिल्कुल सीधा जैसे कोई बोला व्यक्ति ही खड़ा हो। पहले स्टेप वीरभद्र आसन का, एक पैर बिल्कुल सीधा होगा, बेंड नहीं करेंगे, ये सामने का पोज होगा वीरभद्र आसन, चेंज ये पोज। फर्स्ट स्टेप वीरभद्र आसन का जैसे कोई बोला व्यक्ति ही खड़ा हो। सेकंड पोज नमस्कार पोज में आ जाए, नमस्कार पोज, पीछे पत्थर उठेगा सर और एरी इक्वल आना चाहिए। सेकंड पोज वीरभद्र आसन का स्लो पोज में, ये पोज और उठाएंगे, कोशिश कीजिए बैलेंस बनाएंगे, बिल्कुल घुटना सीधा, बिल्कुल सीधा करो, बिल्कुल सीधा वेरी गुड। हाथ नमस्कार पोजीशन में ऊपर उठा हाथों को, ओके वेरी गुड, बहुत बेटर है ये वाला पोज। और फिर थोड़ा सा उठाएंगे, एरी और सर का इक्वल लाइन आना चाहिए, वीरभद्र आसन, ओके। पैर पे चेंज प्लीज, इस पैर पे हुआ है दूसरे पैर के ऊपर निकल लीजिए, पुनः एक तरफ का जॉइंट पकड़ लेगा आपको, फिर मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी उतारने। इस पैर पे किया है दोनों पे करना है, राइट पे किया तो लेफ्ट पे भी करना, और पैर उठाओ सर नीचे झुका कमर बेंड करते हुए। योगा एक्सरसाइज से पहले एक चीज के ऊपर आपको अटेंशन देना ही होगा, योगा एक्सरसाइज से बॉडी हीट एक्सरसाइज, वार्म एक्सरसाइज या योगिंग जोगिंग एक्सरसाइज, तीन चार नाम से जाना जाता है। तो पहले बॉडी को हिट करना अति आवश्यक है, बिना बॉडी हिट किए कोई आपने एक्सरसाइज आसन किया तो ज्वाइंट पकड़ सकता है, इसकी 20 स्टेप होती है। तो पहले बॉडी को थोड़ा सा हिट कर लेंगे, फिर बॉडी ज्वाइंट, और इसके पश्चात आज हम चलेंगे डायबिटीज वालों के लिए। आपको खोलना है जीवन में, कभी भी आपको गठिया घुटनों के प्रॉब्लम नहीं होंगे, कभी हड्डियां फ्रैक्चर नहीं हो सकती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने इमली का पेड़ देखा होगा, खट्टी होती इमली, इमली के पेड़ की उंगली जैसी डालियों को पकड़कर पूरे झूल जाइए, पूरा वेट आपका झेल लेंगे। आपने सिंगी का पेड़ भी देखा होगा, मूंगा फली बोलते हैं, सूरजना फली बोलते हैं, उसकी मोटी डाली को पकड़कर एक झटका मारिए, पट दो टुकड़े हो जाएंगे। कारण क्या, मोटी डाली एकदम दो टुकड़े हो रहे हैं और इमली की उंगली जैसी डाली आपका पूरा वेट झेल रही, टूट नहीं रही है, क्या कारण है?
इमली के पेड़ के अंदर लचीलापन है और सिंगी के पेड़ के अंदर कड़कपन है। तो योगा एक्सरसाइज आपकी बॉडी के अंदर क्या लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा? लचीलापन लेकर आएगा। दिखने में बड़े बॉडी बिल्डर नजर आ रहे हैं, घर में पैर फिसल रहा, घर में हड्डियां फ्रैक्चर हो रही है। कारण क्या है कि हमारी बॉडी के टोटल ज्वाइंट्स जाम हो चुके हैं। तो आज हम चलते हैं बॉडी ज्वाइंट एक्सरसाइज। पांच प्रकार का एक्सरसाइज आपका घुटनों का होता है, 16 प्रकार का एक्सरसाइज आपके कमर के लिए होता है, जीवन में कमर के प्रॉब्लम नहीं होंगे। 16 प्रकार का एक्सरसाइज शोल्डर ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है। 5 प्रकार का एक्सरसाइज सर्वाइकल वालों के लिए होता है, नेक का, जिनको प्रॉब्लम है। 7 प्रकार का एक्सरसाइज कलाई ज्वाइंट का होता है, जिनको कलाई में पेन होता है, फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, पार्किंसन पे हाथ पैरों में कंपाउट होती हो। और 5 प्रकार का एक्सरसाइज आंखों का एक्सरसाइज होता है। ऐसे टोटल मिला के 65 स्टेप होता है बॉडी ज्वाइंट एक्सरसाइज का। मैं तो यूं कहूंगा, अगर आपने बॉडी ज्वाइंट एक्सरसाइज कर लिया तो बहुत जाएंगे, घुटने पर दोनों हाथ रख लेंगे, इस पोज में धीरे धीरे वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। प्लीज अपनी कैपेसिटी अनुसार ये वाला पोज, गुड। एंटी क्लॉक वाइज मिलेंगे, घुटने ज्वाइंट का पहला स्टेप। वो जो यूथ है, यूथ इस पोजीशन में नहीं करेंगे, यूथ तो इस पोजीशन में भी कर सकते हैं ये वाला पोज। ये पोज यूथ के लिए है, बाकी अपने इस स्तर पे कीजिए। हाँ जी, ये ज्वाइंट खोलने का है। ओके, ये पहला स्टेप था बॉडी ज्वाइंट एक्सरसाइज का। सेकंड स्टेप कमर के ऊपर दोनों हाथ रख लेंगे, ये पोज होगा। सेकंड स्टेप, पंजे को आगे की ओर फेंकेंगे। सेकंड स्टेप, गुड। थर्ड स्टेप, लेफ्ट पैर के ऊपर खड़े हुए राइट पैर के पंजे को ऐसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉक वाइज भी ले लेंगे, गुड। फिर दूसरे पैर के पंजे को भी ऐसे वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, एंटी क्लॉक वाइज भी लेंगे, गुड। अगला स्टेप, फिर घुटनों पर हाथ रख लेंगे, ये वाला पोज, ढीला छोड़ के। ओके, घुटने पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे कुर्सी आसन, इसे बोलते हैं हम कुर्सी आसन। जिनका हाथी पैर हो जाता है उनके लिए सबसे बेटर होता है कुर्सी आसन। घुटने पर हाथ रख के उठ जाएंगे, ये वाला पोज, धीरे धीरे, कोई किसी को फॉलो ना करे प्लीज। लास्ट आखिरी स्टेप घुटने ज्वाइंट का, फिर घुटने पर हाथ रख लेंगे, ये वाला पोज। थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, धीरे धीरे घुटने को छुएंगे क्रमवार, गुड। बहुत अच्छा, ये 5 प्रकार का एक्सरसाइज आपके घुटने ज्वाइंट का हो चुका है। अब हम चलते हैं कमर ज्वाइंट एक्सरसाइज, 16 प्रकार का एक्सरसाइज। रीढ़ की हड्डी कमर के प्रॉब्लम कभी नहीं होंगे आपको, एक एक ज्वाइंट खोलने की 16 स्टेप होती है एक्सरसाइज। पंजे में पंजे डाले, मंटा मोड़ देंगे, खोज में लंबी घेरी स्वास्थ्य से उठेंगे, ये वाला खींचेंगे ऊपर जोर ताकत से, श्वासों को छोड़ते हैं नीचे आएंगे, एक बार फिर और ताकत से खींचेंगे ऊपर की ओर, वेरी गुड। एक बार और करेंगे और थर्ड एक्सरसाइज, दूसरे को बेंड करते हुए हो जाएगी, पंजों के बल पर खुद ताकत से ऊपर की ओर खींचेंगे, बहुत खराब ये वाला पोज, खींचेंगे ताकत से ऊपर की ओर, एड़ियां उड़ जाएगी पंजों के बल पर, सांसों को छोड़ के नीचे आएंगे, एक बार फिर ताड़ासन।
बहुत अच्छा, एकादशी कहेंगे कम से कम तीन तीन दांत से ज्यादा नहीं लेंगे। एकादशी रूटी है तारा संग, तारे एक वृक्ष होता है जो बिल्कुल सीधा जाता है। ओके, अगला स्टेप दही तीन फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, त्रियक ताड़ासन, रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। त्रियक ताड़ासन, पंजे में पंजे डाल लेंगे, उल्टा मोड़ देंगे, त्रियक ताड़ासन, ये पोज। दोनों हाथों के बीच में नेत रहेगा, त्रियक ताड़ासन। वेरी गुड, रीढ़ की हड्डी कमर के सब प्रॉब्लम को दूर कर देता है त्रियक ताड़ासन। फोर्थ स्टेप अर्ध त्रियक ताड़ासन, अर्ध मीन्स आधा, सिधाई तीन फीट की दूरी पैरों के बीच में, ये वाला पोज। बहुत अच्छा, अर्ध त्रियक ताड़ासन। अब हम चलते हैं अगला स्टेप, मेरुदंड ज्वाइंट एक्सरसाइज, जिनका ऑफिशियली कार्य होता है सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ता है। अधिकतर भाइयों बहनों को ये पीछे का पॉइंट पकड़ लेता है, इसे हम बोलते हैं मेरुदंड ज्वाइंट एक्सरसाइज। जैसे चेयर छोड़ते हैं तो उनका ये हाल हो जाता है, ये हाल हो जाता है, बिल्कुल पॉइंट पकड़ लेता है, ये हाल होता है उनका। थोड़ी देर चलने के पश्चात ये ज्वाइंट खोल देता है, आपको छूट जाएगा, ये प्रॉब्लम कभी नहीं होंगे आपको मेरुदंड ज्वाइंट एक्सरसाइज करने से। दही तीन फुट की दूरी रहेंगे पैरों के बीच में, ये पोजीशन। नेक्स्ट, गुड, बहुत अच्छा, मेरुदंड ज्वाइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेप कमर ज्वाइंट का, ये वाला पोज। पैर स्थिर रहेंगे, बॉडी को घुमाएंगे, ये पोज। बहुत अच्छा, वेरी गुड, अगला धीरे धीरे करेंगे, जिनको बैक का प्रॉब्लम हो प्लीज स्लो पोजिशन में करते जाएंगे। अगला स्टेप कमर ज्वाइंट एक्सरसाइज का, अगला स्टेप क्रॉसिंग एक्सरसाइज, इसको किसी के साथ ऐड कर लीजिए, क्रॉसिंग एक्सरसाइज। कोई किसी को फॉलो ना करे, ये वाला पोज जो कर सके वही करे, देख करे। ओके, बहुत अच्छा, अब हम चलते हैं क्रॉसिंग एक्सरसाइज के पश्चात कमर ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए सबसे बेटर होता है कमर डांसिंग एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? कमर डांसिंग एक्सरसाइज, एक पंथ दो काज, डांस का डांस, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज, कमर ज्वाइंट नी, कमर डांसिंग एक्सरसाइज, ये वाला पोज। कमर डांसिंग धीरे धीरे ही करेंगे, सभी एक दो बार ही करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि पहली बार बहुत अच्छा दर्द हो सकता है। वेरी गुड, कमर डांसिंग एक्सरसाइज के पश्चात अब हम चलते हैं कमर के प्रॉब्लम के लिए अगला स्टेप नागिन डांसिंग एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? नागिन डांसिंग एक्सरसाइज, आपकी बॉडी के अंदर टू मच लचीलापन लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण व्यायाम होता है नागिन डांसिंग एक्सरसाइज। देखा होगा आपने नागिन के अंदर लचीलापन। अब हम चलते हैं नागिन डांसिंग एक्सरसाइज, ये पोज, रुक जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, रुक जाएंगे,
बहुत अच्छा। अगर किसी को चक्कर आ रहे हो तो प्लीज पंजे में पंजा डालिए, सर को दबाइए और छोड़िए। दो पांच बार दबाने से चक्कर आपके फिनिश हो जाएंगे। और हमारी गाड़ी के अंदर लचीलापन लाने के लिए बहुत ही बेटर होता है नागिन डांसिंग एक्सरसाइज। अगला स्टेप कमर जॉइंट एक्सरसाइज के लिए, अगला स्टेप की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट, अगला स्टेप भुहस्तासन पोजीशन। नेक्स्ट ये ले लेंगे, पैरों के बीच में कमजोरी देंगे बिना घुटने बेंड किए, आपके हाथ के पंजे ऊपर तक। ओके, अगला स्टेप कमर जॉइंट एक्सरसाइज का, ढाई तीन फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, पंजे में पंजे डालेंगे कमर के पीछे ले जाकर, नीचे झुकेंगे हाथ के पंजे ऊपर की ओर खींचेंगे। भले थोड़ा सा उठाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं अगला स्टेप कमर जॉइंट एक्सरसाइज का, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई पकड़ेंगे कमर के पीछे ले जाकर इस पोज में, ये वाला पोज। अगला स्टेप ले लेंगे ये वाला पोज। पंजे में पंजे डालेंगे ये पोज भी ले लेंगे। बहुत अच्छा, पर प्लीज ध्यान देंगे बॉडी जॉइंट एक्सरसाइज, आपके हर एक जॉइंट आज खुलने वाले हैं, कल आपको दर्द जरूर महसूस होगा, पर हिम्मत नहीं हारना है। किसी को तीन दिन किसी को चार दिन पेन होगा, इसके बाद बिल्कुल लाइट बॉडी हो जाएगी आपकी। ये आपका हो गया कमर जॉइंट एक्सरसाइज। सिर्फ एक और बचा स्टेप, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई पकड़ेंगे कमर के पीछे ले जाकर, ये वाला पोज। झुकते हुए ये घुटना भू को नहीं छुएगा, ऐसे झुकते मुंह से पैर के अंगूठों को एक बार इधर छुएंगे और एक बार इधर छुएंगे। धीरे धीरे आप इतना ही कीजिए, धीरे धीरे इतना ही झुकिए, ज्यादा नहीं। ओके वेरी गुड, बहुत ये आपका पूरा हो चुका है कमर जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट एक्सरसाइज, पहला स्टेप ये वाला पोज। ऊपर हाथ जाते समय लंबी गहरी सांस लेंगे, नीचे हाथ लाते समय नासिका से श्वासों को फाड़ छोड़ेंगे। प्लीज इसे कोने को बेंड नहीं करेंगे, इसे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में, सामने लंबी गहरी सांस लेते हाथों को पीछे की ओर खींचेंगे। बहुत अच्छा, अगला स्टेप बटरफ्लाई एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट एक्सरसाइज का थर्ड स्टेप। दो तीन फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, बटरफ्लाई एक्सरसाइज ये पोज। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला स्टेप कमर जॉइंट एक्सरसाइज का, अगला स्टेप राइट हाथ ऊपर।
अंगूठा नीचे मुट्ठी को बांध लेंगे, हाथ को वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, शोल्डर जॉइंट के सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, अपोजिट भी ले लेंगे, अपोजिट भी लेंगे, वेरी गुड। फिर लेफ्ट हाथ को ऊपर करेंगे, अंगूठा नीचे मुट्ठी को बांध लेंगे, इसको भी वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट भी ले लेंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे मुट्ठी को बांध लेंगे, वृत्ताकार रूप में इस वज में घुमाएंगे, क्रमवार आगे पीछे। एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट भी ले लेंगे, जिनको शोल्डर का प्रॉब्लम है तब तक अंदर आप रिजल्ट ले सकते हैं। इससे तो शोल्डर जॉइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेप, दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे मुट्ठी को बांध लेंगे, एक साथ क्रॉसिंग रूप में घुमाएंगे, ये वाला पोज। एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट भी ले लेंगे, बहुत अच्छा। अगला स्टेप, हाथों को शोल्डर की लाइन में फैलाएंगे, ये पोज। ये वाला पोज बहुत अच्छा, पंजे को पलटेंगे, शोल्डर जॉइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेप, बहुत अच्छा, पंजे को पलटेंगे। अगला स्टेप, दोनों हाथ सामने, ये वाला पोज भी ले लेंगे, शोल्डर से हाथ का पंजे टच में आगे फेंकेंगे। अगला स्टेप, ये पोज भी ले लेंगे, दोनों हाथ के पंजे शोल्डर पर वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, ये पोज भी लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे, क्रॉसिंग एक्सरसाइज भी लेंगे, ये वाला पोज, क्रॉसिंग एक्सरसाइज। अगला स्टेप, कच्ची मंथन चक्र एक्सरसाइज भी ले लेंगे, शोल्डर जॉइंट एक्सरसाइज का, हाथों को शोल्डर की लाइन में, अंगूठे को बेंड कर लेंगे, ये वाला पोज। बहुत अच्छा, अगला स्टेप ले लेंगे, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई पकड़ेंगे, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की कलाई पकड़ेंगे, नेक के पीछे दोनों तरफ से कोनी सर के ऊपर आना चाहिए, ये पोज। वेरी गुड, बहुत अच्छा, स्टेप की ओर चलते हैं हम, वो मोर आसन पोजिशन एक्सरसाइज, शोल्डर ज्वाइंट एक्सरसाइज का लास्ट स्टेप, दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे मुट्ठियों को बांध लेंगे, पीठ के पीछे क्रमांक सटाएंगे, ये पोज। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये आपका होगा शोल्डर ज्वाइंट एक्सरसाइज। अब कलाई ज्वाइंट भी ले लेंगे, 10-5 केजी वेट उठाते से कलाई में पेन होने लगता है, फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आपको कलाई ज्वाइंट एक्सरसाइज करने से। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी को बांध लेंगे, वेरी गुड, ये पोज। एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे। अगला स्टेप, ये वाला पोज, पंजे को घुमाएंगे, किसी उंगली टच, फिर ऊपर से घुमाएंगे धीरे धीरे, तर्जनी मत, ये वाली तर्जनी टच घुमाते जाएंगे इस पोज। अगला स्टेप, दोनों हाथ चेस्ट के सामने, फिंगर ओपन, क्लोज नहीं, ओपन, कलाई को बिल्कुल खुला छोड़ देंगे, ये वाला पोज। ये वाला पोज,
नेक्स्ट अगला स्टेप ये फोर। पंजे पंजे डालेंगे, ये फोर भी ले लेंगे, इसे घुमाएंगे वृत्ताकार रूप में। बहुत अच्छा, ये कलाई फिंगर्स के सब प्रॉब्लम दूर होगा इससे। पंजे ऊपर की ओर मोड़ेंगे, वेरी गुड। अब हम चलते सर्वाइकल वालों के लिए, साधारण पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे नेक को भूखी और मोड़ करेंगे स्लो पोज में, फिर धीरे धीरे नेक को आकाश की ओर मोड़ करेंगे, पूर्ण मोड़ कर देंगे, नेक को वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, झटका नहीं लगाएंगे सर्वाइकल वालों के लिए। एंटी क्लॉक वाइज भी लेंगे, जिनको चक्कर आते हो बैठ के भी कर सकते भले। गुड, अगला स्टेप, नेक आगे पीछे, राइट शोल्डर पर लेफ्ट के ऊपर, फिर नेक आगे पीछे, राइट शोल्डर लेफ्ट, गुड। फिर साधारण पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, बॉडी को नहीं घुमाएंगे, नेक को राइट की ओर घुमाएंगे, फिर लेफ्ट की ओर घुमाएंगे, बॉडी स्थिर होगी। नेक्स्ट, बहुत अच्छा। पर प्यारे भाइयों, अटेंशन एक ही चीज पर देना है, योगा एक्सरसाइज करते जाइए, पर अपनी बुद्धि की तार उस सर्वशक्तिवान पार ब्रह्म परमेश्वर प्यारे पिता के साथ जुड़ी रहे। इसलिए गीता का टॉपिक मुझे याद आया है, जब महाभारत युद्ध हुआ था, पांडव राजा विराट की नगरी में गुप्त वेश में रुके हुए थे, दुर्योधन को मालूम पड़ गया, राजा विराट की नगरी में पांडव गुप्त वेश में रुके हुए, दुर्योधन ने सैनिक भेजा और सैनिक को जगा है, सैनिक को जाकर पांडव को ललकार मारो, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। सैनिक को ले जाकर कहा है, पांडव प्रकट हो गए, दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार है, तो अर्जुन ने कहे सैनिक को, जाकर दुर्योधन को कहो कि जिधर कृष्ण और अर्जुन कंबाइंड है उधर दुर्योधन तो क्या, पर पूरे विश्व की सेना मिलकर मेरे से घमासान युद्ध करे तो मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता, तो मैं भी गौरव के साथ कहूंगा, प्यारे भाई और बहनों, आप और पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा आप भी कंबाइंड हो गए, तो इस धरा पर ना कोई शक्ति है ना कोई हस्ती है जो आपको परास्त कर सकती है, पर जब तक योगा एक्सरसाइज चलती रहे तब तक बुद्धि की तार उस पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ी रहे। नेक्स्ट, अगला स्टेप, नेक ज्वाइंट भी आपका पूरा हो चुका है, घुटने का भी हो गया, कमर का भी हो गया, शोल्डर का भी हो गया, आंख और नेक का भी हो गया, आंखों का एक्सरसाइज, अगर आप अटेंशन दोगे तो आंखों के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। पहला स्टेप, नेक से ऊपर नीचे नहीं देखना है, आंखों से ऊपर देखेंगे फिर नीचे देखेंगे, पहला स्टेप, ऊपर ज्ञान सूर्य परमात्मा को निहारेंगे, स्वयं को साकार होते हुए महसूस करेंगे, पहला स्टेप, परम पिता परमात्मा का गाना भी चला, अपनी बुद्धि एकाग्र रखे, करते भी जाएंगे, तो सेकंड स्टेप, आंखों से राइट और लेफ्ट तरफ देखना है, जैसे कौवा का एक स्टार होता है वो दोनों तरफ दौड़ाता है, ये वाला को आंखों को वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, ये वाला फोर, एंटी क्लॉकवाइज, गुड। आंखें क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, फुल बंद करेंगे खोलेंगे, ऊर्जा कलेक्ट, हल्का सा इस पॉइंट का मसाज, दबाएंगे नहीं आंखों को, हल्का सा, ये पॉइंट बीच वाला पॉइंट, गुड। ये आपका आंखों का एक्सरसाइज भी हो चुका है, अब सब भाइयों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, पर प्लीज
आज बॉडी ज्वाइंट एक्सरसाइज आई है, ज्वाइंट बोलने के आपने 16-16 स्टेप किया है। हो सकता है कल आपको अकड़न जकड़न लगेगा, किसी को 2 दिन में प्रॉब्लम हो सकता है, तराई कभी हो। ओके, अब हम चलते हैं डायबिटीज वालों के लिए। हाथ खड़ा कीजिए जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज वाले, बहुत अच्छा। मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा सा प्रिंट करते जाएंगे ना, आसनों को सीखना है आपको आज, और बहुत शानदार जानदार रिजल्ट मिलेगा आपको इसका। 84 आसनों में से हमने डायबिटीज वालों के लिए 7 प्रकार के आसन सिलेक्ट किया है। हनुमान आसन, हनुमान आसन पोजिशन, जानो सिर आसन, जानो सिर आसन पोजिशन, मंडूक आसन की 2 स्टेप, कुर्मासन, मत्स्येन्द्रासन, मयूरासन, पद्मा मयूरासन, ये 7 आसन ऐसे हैं डायबिटीज वालों के लिए रामबाण तुल्य है, और उधर के प्रॉब्लम भी साथ साथ आपके फिनिश हो जाएंगे। तो हम चलते हैं डायबिटीज वालों के लिए, बैठ जाएंगे सब अपनी अपनी जगह पर। थोड़ा सा प्रिंट प्रिंट करते जाएंगे हर एक आसन को। वैसे आदरणीय दीदी बोल रही थी वीडियो शूटिंग हो रहा था, आपको डीवीडी भी मिल जाएगी, उससे तो हेल्प मिलेगी सर, प्रैक्टिकल ना देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट, सबसे पहले बैठ जाएंगे हनुमान आसन। प्यारे भाई और बहनों, अब थोड़ा सा अलर्ट होके बैठेंगे प्लीज। इन आसनों से बहुत दुआएं मिलेंगी आपको, जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो उनको इन आसनों को आप सिखाते जाइए क्रम अनुसार। जब मैं माउंट आबू में इन्हीं आसनों को करा रहा था डायमंड हॉल के पीछे, पुणे का एक MBBS डॉक्टर वॉक कर रहे थे, तो मैंने बोला ये 7 आसन ऐसे हैं जो 2 सप्ताह के अंदर डायबिटीज नियंत्रण हो जाएगा, और 2-3 मास आप करोगे तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। आवाज सुन करके वो डॉक्टर रुक गए। इसीलिए कहा है प्यारे भाइयों, मेडिसिन से बचना है, मेडिसिन मीन्स दवाइयां, मेडिसिन से बचना है तो मीट को अपनाइए। इंग्लिश के 3 शब्दों से मिलकर मीट बना, MED, या एम करते मेडिटेशन, वो तो आपको आदरणीय दीदी के द्वारा सीखना होगा सेंटर पर जाकर, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं जो मैं आपको मेडिटेशन नहीं सिखा सकता हूँ, तो मेडिटेशन आपको सीखना बहुत जरूरी है। मेडिसिन से बचना है तो मीट को अपनाइए, इंग्लिश के 3 शब्दों से मिलकर मीट बना, MED, या एम करते मेडिटेशन, ई करते एक्सरसाइज, और डी करते डाइटिंग। जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है प्लीज डाइटिंग को, डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप सबको मालूम है शुगर पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए, पर इतने वशीभूत हो जाते हैं 4 दिन की जबान के आगे पीछे की केयर भी नहीं करते। तो जब स्टार्ट हनुमान आसन, इसे बोलते हैं प्यारे भाई और बहनों हनुमान आसन। तो घुटने पर पंजा होगा, आसन के बेनिफिट अलग होते हैं और पोजीशन के बेनिफिट अलग होते हैं। हनुमान आसन में बैठने से कभी भी रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम नहीं होंगे आपको, और 8 ईयर्स के हो जाओगे तब भी आपको कुबड़ नहीं आएगी, क्योंकि आसन ही ऐसा है ना, चाहते भी रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होने ही है, इतना प्यारा आसन है हनुमान आसन। और ज्ञान गलत आपके पास में है सही, हनुमान आसन बहुत अच्छा। हनुमान आसन के बेनिफिट है, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम कभी नहीं होंगे, 80 ईयर्स के हो जाओगे तभी आपको कुबड़ नहीं आ पाएगी, क्योंकि इतना प्यारा आसन है ना, चाहते हुए रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होना ही है। अब हम चलते हैं डायबिटीज वालों के लिए हनुमान आसन पोजीशन। पोजीशन ये डायबिटीज वालों के लिए होता है। नेक्स्ट, दाढ़ी को घुटने पर रख लेंगे, दाढ़ी को घुटने पर रख लेंगे, पंजे में पंजा डाल लेंगे ऐसे, इस पोज में घुटनों के नीचे लेंगे। अब जितने भी आपके पास में ताकत है, खुद ताकत से दाढ़ी घुटने से टच होने के पश्चात अपनी ओर खुद ताकत से खींचेंगे, जैसे कोई आपका पैर छीन रहा है, छुड़ा रहा है, आप अपनी ओर खींच रहे हैं,
एक मिनट से तीन मिनट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कंपन महसूस होने लग जाएगी, तब चेंज करना है। हनुमान आसन पोजिशन, पंजे में पंजा डालेंगे, घुटनों के नीचे डाढ़ी घुटनों से टच, हाँ स्टार्ट। अब जितनी ताकत है आप फुल ताकत से अपनी ओर खींचेंगे, एक मिनट से तीन मिनट के अंदर ही आपकी बॉडी के अंदर कंपन महसूस होने लग जाएगी। ये वाला पोज, एक मिनट, ये पोज, वेरी गुड। तीन मिनट तो बहुत दूर की बात है, एक मिनट के पहले पहले आपकी बॉडी के अंदर कंपन महसूस होने लगेगी। एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, ये पोज होगा, घुटनों के नीचे पंजा, दाढ़ी घुटनों से टच, फुल ताकत अपने ओर खींचेंगे, एक मिनट से तीन मिनट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कंपन महसूस होने लग जाएंगी, तब चेंज कर रहे हैं प्यारे भाई और बहनों। मैं अभी आज देख रहा था हमारी बहनें ऐसे बैठी है, भले घंटों तक बैठे रहो कोई फायदा होने वाला नहीं है, जितनी भी ऊर्जा ताकत है पूरी जान लगा डालो, जैसे कोई आपका पैर छीन रहा है छुड़ा रहा है आप अपनी ओर खींच रहे हैं। एक मिनट से तीन मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी के अंदर कंपन महसूस होने लग जाएगी और चेहरा आपका टमाटर बन जाएगा। अगला स्टेप, फिर बैठ जाएंगे हनुमान आसन, पैर चेंज कर लेंगे, अच्छा पैर चेंज कर लेंगे, हनुमान आसन पोजीशन। डायबिटीज वालों के लिए दाढ़ी घुटनों से टच, टच कर लेंगे ऐसे, पंजे में पंजे डाल लेंगे घुटनों के नीचे और फुल ताकत से अपनी हो जितनी भी ताकत है फुल ताकत से अपनी ओर खींचेंगे, जिससे कोई आपका पैर छीन रहा है छुड़ा रहा है आप अपनी ओर खींच रहे हैं। दाढ़ी घुटनों से टच करने के बाद फुल ताकत से खींचेंगे, एक मिनट से तीन मिनट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कंपन महसूस होने लग जाएगी, जब चेंज करेंगे। बहुत अच्छा, ये बन गया आपका हनुमान आसन पोजीशन, हनुमान आसन और हनुमान आसन पोजीशन। अब हम चलते हैं जानू सिंहासन, बैठ जाएंगे दंडासन में, दंडासन में बैठ जाएंगे, दंडासन। अब हम चलते हैं प्यारे भाइयों जानू सिरा आसन, बहुत ही प्यारा आसन है ये, साहित्यिका के लिए रामबाण तुल्य है। साहित्यिका गदिया घुटनों के प्रॉब्लम, पीठ के प्रॉब्लम, बहुत सारे एक भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा जानू सिरा आसन। आसन के बेनिफिट अलग होते हैं और पोजीशन का बेनिफिट अलग होता। राइट पैर को मोड़ करके यहां रख लेंगे ये पोज, ताकि ये पैर आपका इधर नहीं आए। जानू सिंहासन पोजीशन, पंजे में पंजा डाल लेंगे, हल्का सा पैर को खींच लेंगे, पैर के आगे हाथ का पंजा और पैर को खींचेंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे और बिना घुटने बेंड के कपाल घुटने पर टच करेंगे। जानू सिंहासन, धीरे धीरे उठ जाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है बेंड का। एक बार फिर करेंगे, हाँ पैर के पंजा को आगे, हाथ के पंजे पैर के पंजे में डाल के कपाल घुटने पर टच, बहुत अच्छा। भयंकर तनाव खिंचाव पड़ेगा आपकी जंग के ऊपर, गठिया घुटनों के में प्रॉब्लम तो साइटिका के लिए भी बहुत ही बेटर होगा, पर प्लीज घुटना सीधा होगा जिस तरह से पीछे के भाई का हो रहा है, पर कपाल घुटने से सटना चाहिए। एक बार बैंक देखेंगे ये पोज, बहुत अच्छा, पूरी तरह बिल्कुल बेंड नहीं है, पूरा पैर सीधा है और कपाल घुटने पर सट गया है। जानू सिंहासन, अगली बेंड का भी बहुत अच्छा हो रहा है,
उनके पीछे वाला काम पहले हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। हाँ, पहला दिन ही है आपका, सबका ही हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, कभी हो जाएगा, प्रयास करेंगे सब। जब मेरा प्रोग्राम दिल्ली में था, मैं इसी आसन को करा रहा था, एक भाई खड़ा हो गया। भाई साहब, इसने क्या नाम दिया आपने इस आसन को? मैंने कहा जानू सिरासन, बिल्कुल रंग। मैंने कहा क्यों ब्रदर, ये जानू सिरासन नहीं है। मैंने कौन सा आसन है? ये जान लेवा आसन। चलो, पर ये साइटी का गत्या घुटनों के, पीठ के और बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर कर देगा। पैरों को चेंज कर लेंगे, लेफ्ट पैर को मोड़कर यह रख देंगे, पंजे में पंजा डाल लेंगे, पैर के पंजे के आगे हाथ का पंजा, अब पैर को खींचे के बिल्कुल सीधा कर देंगे, कपाल घुटने पत्थर, यही पोज। बहुत अच्छा, वेरी गुड, काफी अच्छा हो रहा है सबका। पहले दिन में इतना कर लेना कम बात नहीं है, कि जानू सिरासन था। अब हम चलते हैं डायबिटीज वाले के लिए जानू सिरा आसन पोजीशन। इसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा इजीली है। जानू सिरा आसन पोजीशन, फिर बैठ जाएंगे इसी पोज में। जानू सिरा आसन पोजीशन, पैर का पंजा अपनी ओर खींच लीजिए, आगे नहीं, पैर का पंजा अपनी ओर खींच लीजिए, हाथ के पंजे से पैर के पंजे को पकड़ लेंगे इस पोज में। अब पकड़ने के पश्चात पैर का पंजा आगे खींचेंगे, हाथ का पंजा अपनी ओर, एक दूसरे से अपोजिट, दोनों हाथों के बीच में नेक आ जाएगा, नेक दोनों हाथों के बीच में होगा। इधर भयंकर जंग में तनाव खिंचाव पड़ेगा, इधर पेट बिल्कुल पीठ फटने लग जाएगी आप। जानू सिरा आसन पोजिशन डायबिटीज वालों के लिए। पंजा आगे खींचेंगे, हाथ का पंजा अपनी ओर खींचेंगे, तो दोनों हाथों के बीच में नेक आ जाएगा, यह वाला पोज। तीन मिनट तो बहुत दूर की बात है, एक मिनट के अंदर अंदर नानी जी याद आ जाएगी आपको, भयंकर पीठ फटने लग जाएगी आपकी, वो जंगल के ऊपर भयंकर तनाव खिंचाव पड़ेगा। चलो सिरा आसन पोजिशन, बहुत अच्छा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। हाँ जी, और मेरा रिक्वेस्ट है, बीच बीच में मैं भूल जाता हूँ, यहाँ करने दीजिए से मुझे भी टोकते जाए, बहुत अच्छी खुशी की बात है। मेरी प्रैक्टिस हाई लेवल की है, थोड़ी सी जल्दी करने का, तो मैं बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता हूँ। पैरों को चेंज कर लेंगे तारे भाई और बहनों, राइट पैर लंबा, लेफ्ट पैर को मोड़ कर यहाँ रख लेंगे, फिर जानू सिरासन पोजिशन, पैर का पंजा अपनी ओर खींच लेंगे, हाथ के पंजे से पैर के पंजे को इसे पकड़ लेंगे अच्छी तरह से खींच के, फिर पैर का पंजे आगे खींचेंगे, हाथ के पंजे अपनी ओर खींचेंगे, एक दूसरे से अपोजिट, और दोनों हाथों के बीच में नेक आ जाएगा, इधर भयंकर जंगल में तनाव खिंचाव पड़ेगा, तो पीठ आपकी बिल्कुल फटने लग जाएगी। डायबिटीज की जान और शान है जानू सिरा आसन पोजिशन। धीरे धीरे छोड़ते हुए उठ जाएंगे, ये तो अपने दिल से पूछ लीजिए कि कितना मजा आ रहा हो आपको। जानू सिरासन पोजिशन, तो स्टेप आपका पूरा हो चुका है। हनुमान आसन, हनुमान आसन पोजिशन, जानू सिरासन, जानू सिरासन पोजिशन। अब बैठ जाएंगे वज्रासन। इसे बोलते हैं हम वज्रासन। प्यारे भाई और बहनों, 84 आसन में से एक ही आसन ऐसा है जो भोजन के उपरांत किया जाता है। भोजन के बाद ना एक्सरसाइज किया जाता है, ना कोई आसन किया जाता है, ना प्राणायाम किया जाता है। 84 आसनों में से एक ही आसन ऐसा है जो भोजन के उपरांत किया जाता है, इसे बोलते हैं हम वज्रासन। भोजन करने के बाद मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट इस आसन में बैठने से जठर अग्नि आपकी तीव्र हो जाएगी, कंस्टिपेशन के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, बॉडी को वज्रतुल्य बना देता है वज्रासन। ये मोमेडन भाइयों का बहुत ही प्यारा सर्वोच्च आसन है,
जब खुदा से वंदना करते हैं, खुदा से इबादत करते हैं, तो इसी आसन का आधार लेकर के वो खुदा से वंदना करते हैं। तो अब हम चलते हैं मंडूकासन, उधर के सारे प्रॉब्लम फिनिश, और डायबिटीज से छुटकारा, दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे, मुट्ठियों को बांध लेंगे, नाभि के आजू बाजू में रख लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, स्लो पोज में सांसों को छोड़ते हुए झुकते हुए चेस्ट को जंगों से टच करेंगे, नेक कोटा के सामने की ओर देखेंगे, मेंढक पोजीशन में ये पोज, नाभि के आजू बाजू में रख लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को छोड़ते हुए झुकते हुए चेस्ट जंगों से टच, नेक कोटा के सामने की ओर देखेंगे, मेंढक पोजीशन। धीरे श्वासों को लेते उठ जाएंगे, बहुत अच्छा। एक बार फिर करेंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे, मुट्ठियों को बांध लेंगे, नाभि के आजू बाजू में रख लेंगे, फिर लंबी गहरी श्वास लेंगे, स्लो पोज में श्वासों को छोड़ते हुए झुकते हुए चेस्ट जंगों से टच करेंगे, नेक कोटा के सामने की ओर देखेंगे, मेंढक पोजिशन में देखेंगे मेरी ओर, बहुत अच्छा। उधर के सारे प्रॉब्लम फिनिश, और डायबिटीज के लिए भी बहुत ही बेटर होगा, मंडूकासन की पहली स्टेप है ये। ओके, यहां तो मैं आपको होमवर्क के तौर पर करा रहा हूं, हर एक स्टेप को मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 7-8 तक तो आपको करना ही होगा। अब हम चलते हैं मंडूकासन की सेकंड स्टेप, लेफ्ट हाथ का पंजा खोलेंगे, लेफ्ट हाथ का पंजा खोलेंगे, नाभि के ऊपर रख लेंगे, फिर राइट हाथ का पंजा खोलेंगे, पंजे के ऊपर पंजा रख लेंगे, फिर उसी पोजीशन में लंबी गहरी सांस लेते हुए, सामने देखेंगे नेक उठाकर, तो कुंभक करेंगे, धीरे धीरे श्वासों को लेते उठ जाएंगे, वेरी गुड। ये सेकंड स्टेप था मंडूकासन का, उधर के प्रॉब्लम भी सारे फिनिश, और डायबिटीज के लिए बहुत ही हितकारी होगा मंडूकासन। एक बार फिर सभी करेंगे भाई और बहने, हाँ, और प्लीज आप वज्रासन में ढंग से नहीं बैठ पा रहे हैं, इस पोज में मेरे को देख लीजिए, ऐसे नहीं बैठते हैं ऐसे, वरना पंजों की 12 बज जाएगी, ऐसे नहीं बैठते हैं, पंजे पसार लीजिए ऐसे, आजू बाजू एरिया हो जाएगी, आराम से बैठ जाएगी, इसे बोलते हैं वज्रासन, एरिया आजू बाजू निकाल लेंगे, आराम से बैठिए, इसे बोलते हैं वज्रासन, ऐसे नहीं बैठना है ऐसे, बहुत कर रहा होगा पंजों में मौज भी आ सकती है, मौज नहीं होता है, पंजे पसार के बैठ जाइए, ये है वज्रासन। चलो एक बार और कर लीजिए सेकंड स्टेप मंडूका का, दोनों हाँ लेफ्ट हाथ ऊपर, पंजे खोल लेंगे नाभि के ऊपर, फिर राइट हाथ ऊपर, पंजा खोल के पंजे पर पंजा, फिर उसी पोजिशन में, धीरे धीरे श्वासों को लेते उठ जाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हर स्टेप को मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 7-8 करने से इसका लाभ मिलेगा भाई और बहनों, अटेंशन प्लीज। अब हम चलते हैं कुर्मासन, उधर के सारे प्रॉब्लम फिनिश, और डायबिटीज से छुटकारा, कुर्मासन, दोनों हाथ सामने, अंगूठा नीचे, मुट्ठियों को बांध लेंगे, कोने को कुंभ, इसे नाभि बोलते हैं, नाभि के आजू बाजू है, कुंभ बोलते हैं, आजू बाजू में रख लेंगे इस पोजीशन में, लंबी गहरी श्वास लेंगे, स्लो पोज में नीचे झुकेंगे, जैसे हम नीचे झुकेंगे कोने आपके पेट के अंदर घुस जाएगी, ये पोज पूरी तरह पेट के अंदर घुस गई, अब मुट्ठियां दाढ़ी से टच, कुर्मासन, धीरे धीरे श्वासों को लेते उठ जाएंगे, बहुत अच्छा। पर मैं देख रहा हूं अधिकतर हमारे भाई और बहने कोनिया को यहाँ रख रहे जंगा के ऊपर, और ऐसे बैठे भले घंटों तक बैठे रहो, कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे नहीं बैठना है,
कोने को नाभि के आजू बाजू में रखिए, थोक के आजू बाजू में ये पोल, और जैसे नीचे झुकोगे कोने पूरी पेट के अंदर घुस जाएगी, ये पूरी कोने पेट के अंदर घुस जाएगी, मुट्ठी दाढ़ी पैर ये पोल, ओके इसे बोलते हैं हम कोरोना। अब हम चलते हैं मत्स्येंद्रासन, बहुत ही प्यारा होता है मत्स्येंद्रासन। अपने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े जाने माने तपस्वी, एक बहुत बड़े योगी हुए थे, उनका नाम था मत्स्येंद्रराज। काफी समय से गठिया से पीड़ित थे और डायबिटीज से घेरे हुए थे, इसी आसन का आधार लेकर के वो गठिया की प्रॉब्लम से मुक्त हो गए और डायबिटीज से छुटकारा मिल गया, तो उनके नाम के ऊपर ही आसन का नाम डाल दिया गया है मत्स्येंद्रासन। रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम दूर, कोलेस्ट्रॉल कमर की स्ट्रक्चर फिनिश और डायबिटीज से छुटकारा मत्स्येंद्रासन। बैठ जाएंगे हनुमान आसन में, ये पोज हनुमान आसन, हनुमान आसन में बैठने के पश्चात लेफ्ट पैर को उठाकर लाएंगे, राइट जंगा की इधर रख लेंगे, इधर रख लीजिए, बहुत अच्छा। अब राइट हाथ लेफ्ट जंगा के नीचे से लेंगे, जंगा को तबाएंगे ताकत उधर की और हाथ के पंजे से पैर के पंजे को से पकड़ लेंगे, राइट हाथ कमर को ऊपर रखे, नेक को पीछे की ओर फोल्ड कर देंगे, वेरी गुड। एक बार प्लीज थोड़ा सा समझिए, जो आगे पीछे उल्टा कर रहे हैं समझ लीजिए, ये तो आप रिपीट करते रहना। हनुमान आसन में बैठ गए, हनुमान आसन में बैठने के पश्चात लेफ्ट पैर को यहां पकड़कर उठा कर लाएंगे, जंगा के इधर रख लेंगे, ये रख लिया इधर रख लेंगे। अब राइट हाथ लेफ्ट जंगा के पीछे लेंगे, अब जंगल को दबाएंगे फेंकेंगे उधर की ओर ताकत रहे, ये पोज हाथ के पंजे से पैर के पंजे को पकड़ लेंगे इस पोज में, ये हाथ मोड़ के कमर के ऊपर रख देंगे, नेक को पीछे की ओर बेंड करेंगे, बहुत अच्छा कीजिए और दबाइए धीरे धीरे, पहले दिन इतना कर लेना ही बहुत बड़ी बात है आपके लिए, इतना कर लेना ही कम बात नहीं, एक दिन रियल में पूरा हो जाएगा आपका, ये तो पहला दिन ही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, धीरे धीरे अभ्यास करो आप, इतना किया ये भी कम नहीं आपके लिए। चलो नेक्स्ट पैरों को चेंज कर लेंगे, फिर बैठ जाएंगे हनुमान आसन, फिर राइट पैर को उठा कर लाएंगे, लेफ्ट जंगा के पीछे रख लेंगे, इस पोज में रख लेंगे, लेफ्ट हाथ राइट जंगा के नीचे से लेंगे, जंगा को दबाएंगे उधर की ओर, इस पोज में हाथ के पंजे से पैर के पंजे को से पकड़ लेंगे, और राइट हाथ कमर के ऊपर, नेक को पीछे की ओर बेंड करेंगे, बहुत अच्छा। रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम फिनिश, कोलेस्ट्रॉल कमर की स्ट्रक्चर भी फिनिश, और मटका भी पीठ से सटने लग जाएगा, इनका पेट भर आ रहा है, पेट भी कुछ ही दिनों के अंदर आपका पेट फिर से सटने लग जाएगा और डायबिटीज से छुटकारा मिल जाएगा, बहुत अच्छा। अगले आसन की ओर चलते हैं हम, अब हम चलते हैं मयूर आसन, बहुत ही प्यारा आसन होता है चारे भाई और बहनों, मयूर आसन, उधर के सारे प्रॉब्लम फिनिश, एक्स वाई जेड पेट से संबंधित सब प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा और डायबिटीज से छुटकारा मिल जाएगा। आसन का नाम है मयूर आसन, जैसे हाथ के पंजे उल्टा हम बेंड कर लेंगे इस पोजीशन में, ये पोज ऐसे बेंड कर लेंगे, हाथ के पंजे उल्टा नीचे झुक जाएंगे, ये पोज, ये कोने पूरी पेट के अंदर घुस जाएंगी आप।
आपके, उधर के सारे प्रॉब्लम फिनिश, और डायबिटीज से छुटकारा, करत करत अभ्यास के जड़ में थोक सुजान, रस्सी आप देखकर पत्थर पर पड़े निशान, निराश होने की बात नहीं है प्यारे भाई और बहनों, इसकी प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिकल में आप हर आसन में निपुण हो जाएंगे, पर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे। अब हम चलते हैं मयूर आसन के पश्चात पद्मा मयूर आसन, ये सातों आसन है पद्मा मयूर आसन। पद्मा मयूर आसन, ये बन गए आपके पद्म मयूर आसन करके सात प्रकार के आसन, पेट के सारे प्रॉब्लम फिनिश हो जाएंगे और डायबिटीज के लिए भी बहुत ही बेटर हो। ज्यादा नहीं काम कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूं एक दिन आपका आसन अच्छी तरह से पूर्ण होने लग जाएगा। तो आज आपका बॉडी ज्वाइंट एक्सरसाइज था, साथ साथ डायबिटीज वालों के लिए ये सात प्रकार के आसन थे। इसको शाम को फिर रिपीट चलेगा, क्योंकि ये के बारे में तो आपकी बुद्धि में रिपीट नहीं होगा। प्लीज हो सके टाइम मिले तो शाम को भी यही चलेगा, और कल का रोल तो और इससे भी जबरदस्त रहेगा, बहुत ही बेहतर चीजें कल आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रोज सेशन में जो आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा, कल मिलेगा परसों नहीं मिलेगा, आठ दिन तक रोज अलग अलग आपको नया नया बेटर मिलेगा। हाँ जी, मैं तो भूल गया, आठ दिन का प्रोग्राम कल ये भी चल रहा है, याद नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट, तो समय बहुत कम होने के कारण कल भी आपको इतनी जानदार चीजें मिलेगी, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम हो, टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, कफ के प्रॉब्लम हो, गले में खराश होती हो, खर खर की आवाज आती हो, बीपी का प्रॉब्लम हो, हाई या लो, हार्ट के प्रॉब्लम हो, अल्सर का प्रॉब्लम हो, कैंसर का प्रॉब्लम, लंग हो, एड्स का प्रॉब्लम हो, ऐसे खतरनाक रोगों के लिए कल का रोल आपके लिए बहुत शानदार और शानदार रहेगा। और मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको टाइम मिले तो शाम को जरूर आ जाइए, क्योंकि एक बार से आपकी बुद्धि में अभी टाइम चेक, आपके पास टाइम हो तो अच्छा, जिन्होंने कल जनरल, चलो ठीक है, थोड़ा मैं जनरल करा देता हूं, क्योंकि अधिकतर भाई मुझे कुछ नए लग रहे हैं जिन्होंने नहीं किया है जनरल एक्सरसाइज। मैं 5-7 मिनट में रिपीट कर, ज्यादा टाइम नहीं लगूंगा, शॉर्ट में करा देता हूं। 7 प्रकार का साइटिका का प्रॉब्लम हो, पैरों में कंपास होती हो, फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, एड़ियों में दर्द होता हो, कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होता हो, एड़ी पंजों के बीच में जलन होती हो, जो बच्चे बोले रह जाते हैं, जिनकी लंबाई ना बढ़ती हो, जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होता हो, उनके लिए ये 7 प्रकार के आसन बहुत शानदार और जानदार रहेगा। मैं तो बहुत कुछ सोच रहा था, पर समय नहीं है, इसलिए मैं आपको क्यों ले सकता। पहला स्टेप, जैसे हम चलते हैं, चलते समय हमारे घुटने यहाँ से बेंड होते हैं, ये तो नेचुरल है, चलते समय आपके घुटने बेंड होना ही है, पर पहला स्टेप में प्लीज अटेंशन दें कि आपको चलना है पर बिल्कुल घुटना बेंड नहीं करेंगे, जैसे पैरों में लकड़ी डंडे बांध दिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सभी आगे जाएंगे, आ जाइए, इसे मुड़ के पीछे जाना, सब आगे जाएंगे, अब बेंड होकर आपको पीछे जाना है, पर मेरे को देख लेंगे प्लीज, ये पोज होगा आपका, घुटना बिल्कुल बेंड नहीं करेंगे, बिना घुटने मोड़ के आपको चलना, चल जाइए, घूम जाइए पीछे। जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो, साइटिका का प्रॉब्लम हो, उनके लिए पहला स्टेप बहुत ही बेटर होगा। प्लीज अटेंशन, इतनी जगह में 4-5 राउंड लगाना अति आवश्यक है, तब इसका लाभ मिलेगा।
बेंड हो रहा है ब्रदर, बेंड हो रहा है, पूरा मुड़ रहा है तेरे। प्लीज अटेंशन, बेंड नहीं करेंगे, ये वाला पोज होगा, बिल्कुल घुटना बिल्कुल मोड़ नहीं करेंगे, बिना घुटने बेंड किए आपको इस पोजीशन में चलना है। दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज ये पोज, यहां से बेंड नहीं करेंगे, अटेंशन इसी चीज के ऊपर देना है आपको। आप काफी भाइयों को अच्छा हो रहा है, ओके। अब तो आप बस अपनी अपनी जगह पर चल के आ जाएंगे, पहला स्टेप आपका पूरा हो चुका है। सेकंड स्टेप, जिनको फिंगर्स के प्रादमा पैरों में कमजोर होती हो, पीछे से एरिया उड़ जाएगी, पूरा बॉडी का वेट पंजों के ऊपर आएगा, फिर आपको चलना है। जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, गठिया के प्रॉब्लम हो, पैरों में पार्किंसन कमजोर होती हो, उनके लिए सेकंड स्टेप बहुत ही बेटर होगा। पीछे से एरिया उड़ जाएगी, भले घुटने बेंड कर सकते हैं, पर पूरा बॉडी का वेट फिंगर्स पंजों के ऊपर ही आएगा, फिर आपको चलना है। बहुत अच्छा, आ जाएंगे अपनी अपनी जगह पर चल के। ये तो मैं शार्ट में होमवर्क के तौर पर करा रहा हूं, आपको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप। जिनको कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, एड़ियों में दर्द होता हो, उनके लिए थर्ड स्टेप बहुत ही बेटर होगा। सामने से दोनों पैर का पंजा उड़ जाएगा, पूरा बॉडी का वेट एड़ियों के ऊपर आएगा, फिर आपको चलना है। थर्ड पोज, जिनको एड़ियों में दर्द होता हो, कंस्टिपेशन मींस कब्ज, और जिनको कंस्टिपेशन है कब्ज है, उनको एरिया में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, समझ लीजिए आपको कब्ज है। सामने से दोनों पैर का पंजा उड़ जाएगा, पूरा बॉडी का वेट एरिया के ऊपर ही आना चाहिए, फिर आपको चलना है, ओके। बहुत अच्छा, फिर धीरे धीरे चल के अपनी जगह पर आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप की ओर जाएंगे, पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होता हो, एड़ी और पंजों के बीच में जलन होती हो, उनके लिए फोर्थ स्टेप बहुत ही बेटर होगा। आमने सामने से पंजे पसार लेंगे, फिर आपको चलना है। एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी और पंजों के बीच में जलन होना, उनके लिए फोर्थ स्टेप बहुत ही बेटर होगा, इसी पोज में आपको चलना है। एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी पंजों के बीच में जलन होना, उनके लिए फोर्थ स्टेप प्राण वायु तुल्य है। एक सप्ताह के अंदर ही अंदर इससे आप रिजल्ट ले सकते हो, बहुत अच्छा। फिर सभी चल के अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। फाइव स्टेप, जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो, साइटिका का प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस मिस लक हुआ, इस स्टेप से पैरालिसिस वाला भी गारंटी से ठीक हो सकता है, आपने अच्छी तरह से अटेंशन देके आप करा हुए तो। फाइव स्टेप, अभी आपने आमने सामने पंजे फसा के चलते पंजे को अपोजिट कर लेंगे, इस पोज में बेंड कर लेंगे, और फिर आपको चलना है। इस पोज में सहनकार तनाव खिंचाव पड़ेगा आपकी जंगा के ऊपर, साइटिका के प्रॉब्लम, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम, पैरालिसिस के प्रॉब्लम तक दूर किया जाता है इस स्टेप के द्वारा। भयंकर आपकी जंग और पिंडों पर भयंकर तनाव खिंचाव पड़ेगा, पर आपको मालूम है जिसको पैरालिसिस हो जाता है वो इसी पोजिशन में चलता है। देखा होगा आपको जिसको पैरालिसिस हो जाता है वो इसी पोजीशन में चलता है वो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी चल के अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। अब हम चलते हैं सेवन स्टेप, इसे बोलते हैं हम जंपिंग एक्सरसाइज। जो बच्चे बोने रह जाते हैं, जिनकी लंबाई ना बढ़ती हो, उनके लिए बहुत ही बेटर होगा। साथ बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथ के पंजे में होता है, और बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के पंजे में भी होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी एक साथ पूर्ण लाभ मिल जाएगा आपको, जंपिंग एक्सरसाइज ये वाला पोज। जितना जंप लेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, जंपिंग एक्सरसाइज। बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्यूप्रेशर पॉइंट का पूर्ण लाभ मिल जाएगा, और जिनकी लंबाई ना बढ़ती हो उन बच्चों के लिए भी बहुत ही सहायक होगा जंपिंग एक्सरसाइज। करें बहुत बढ़िया, अब ले जाइए,
जंपिंग एक्सरसाइज, पैरों को लंबा करके बैठ जाएंगे दंडासन में। ओके, पहला स्टेप उंगलियों को टखनों तक मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, गठिया के प्रॉब्लम हो, पैरों में कंपाउंड होती हो, उनके लिए पहला स्टेप बहुत ही बेटर होगा। ओके, सेकंड स्टेप तो आपको होमवर्क के तौर पर ही मिल रहा है, आपको बढ़ा रहा है। सेकंड स्टेप एड़ी अंगूठे आपस में टच करने को आगे की ओर खींचे ताकत से, फिर पीछे खींचना है। जितना ताकत से आगे खींचेगी उतना ही फायदा होगा। एसआईटी का वालों के लिए बहुत ही बेटर स्टेप है। एसआईटी का बड़ा खतरनाक रोग होता है, पीठ से लेकर के एड़ी तक पकड़ लेता है, उसके लिए बहुत ही बेटर हो। थर्ड स्टेप, पंजन को आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, गठिया घुटनों के प्रॉब्लम भी आपके दूर हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे, अपोजिट भी ले लेंगे। एक फुट की दूरी पैरों के बीच में, एक एक पैर के पंजे को आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे। इसी तरह से लेफ्ट पैर के पंजे को आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे। दोनों पैर के पंजे को एक साथ आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, एक साथ एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट भी ले लेंगे। एक फुट की दूरी पैरों के बीच में, ये पोज भी ले लेंगे। एड़े अंगूठे आपस में टच, ये पोज भी ले लेंगे। लेकिन घुटनों के प्रॉब्लम इससे भी दूर होता है, ये पोज भी ले लेंगे। एक साथ वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे। अब हम चलते हैं बच्चा एक्सरसाइज। जिनको घुटने पीटने का प्रॉब्लम हो, उनके लिए बच्चा एक्सरसाइज बहुत ही बेटर होता है। बचपन में आपने बहुत किया है, मैं तो सिर्फ आपको स्मृति दिला रहा हूं। बच्चा एक्सरसाइज, ये वाला पोज आपको मालूम है, बच्चा रोता है तब ये एक्सरसाइज करता है। घुटने पीटने के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। बच्चा एक्सरसाइज बचपन में आपने बहुत किया है, मैं तो सिर्फ आपको स्मृति दिला रहा हूं। गुड, बच्चा एक्सरसाइज का सेकंड स्टेप, बच्चे जब ज्यादा रूठ जाता है तो एक्सरसाइज को भी चेंज कर देते हैं। ये वाला पोज देखा होगा आपने, घुटने पीट लिया के सब प्रॉब्लम दूर होता है। सेकंड स्टेप बच्चे एक्सरसाइज का, जितना फास्ट करेंगे उतना ही बेटर फायदा होगा। बाल जंपिंग एक्सरसाइज भी ले लेंगे साथ साथ, ये पोज बाल जंपिंग एक्सरसाइज। गुड, लेफ्ट पैर को उठाकर राइट जंगा पर रख लेंगे, जंगा घुटने से टाएंगे, जंगा घुटनों के सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा इस स्टेप से। राइट पैर को भी ले लेंगे, धीरे धीरे जितना हो जाए आपको, हल्का सा गिराओ थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा। गुड, नेक्स्ट, अगला स्टेप, लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़कर फिर जंगा पर रख लेंगे, पंजे में पंजा डाल लेंगे, जंगा को दबाएंगे, घुटने सटाएंगे, उठाते हुए चेस्ट से टच, जंगा और घुटनों के सब प्रॉब्लम दूर। जिनका पेट भार आ रहा है, इस स्टेप से पेट भी आपका अंदर जाएगा। अगला स्टेप, राइट पैर को भी ले लेंगे, पंजे में पंजा डालेंगे, जंगा को दबाएंगे, घुटने सटाएंगे, उठाते हुए चेस्ट से टच, जंगा और घुटनों के सब प्रॉब्लम दूर। जिनका पेट भार आ रहा है वो भी इसके अंदर जाएगा। अगला स्टेप, पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। कंस्टिपेशन के कारण आपकी आंखों में एक्स्ट्रा मल चिपक जाता है, बाथरूम एक एक आधा आधा घंटा लगता है, 15 मिनट के अंदर आपका पेट क्लियर होने लग जाएगा। साथ साथ पेट के अधिक कमर के लिए सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज, जैसे बॉडी को उठा लेंगे स्पोर्ट में, ये पोज पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। इसे पेट का बेकवाश होता, एक दो ग्लास गुनगुना पानी पीकर ये एक्सरसाइज करने से पहले प्लीज बाथरूम का गेट जरूर खोल लेना है। इतना जानदार शानदार रिजल्ट है पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज का। एक बटन में खतरा पानी है, आधा बाटल गर्म पानी डाल दीजिए, उसको खो लिए, एक दो मिनट के अंदर सारा कचरा छूट जाता है, वही रिजल्ट इसका होगा। अगला स्टेप,
मंथन चक्र एक्सरसाइज। पहले भी हमारी बहनें हेल्दी क्यों रहती थी, आज ये भी ले लीजिए ये वाला पोज। जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, गठिये के प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द होता हो, जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होता हो, जिनके पैरों में मोच आ जाती हो, ये सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। इसे बोलते हैं पंजा के लिए। अगला स्टेप भी ले, दूसरे पैर को भी ले लेंगे। वही पोजिशन, कोई मेहनत नहीं, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज। मेहनत कम फायदे ज्यादा। जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, गठिये के प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द होता हो, जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होता हो, जिनके पैरों में मोच आ जाती हो, ये सब प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएगी। अगला स्टेप मंथन चक्र एक्सरसाइज। पहले की हमारी बहने हेल्दी क्यों रहती थी, घर में घी दूध होता था, पहले मंथन करती। इससे रीढ़ की कमर के सारे प्रॉब्लम दूर, कोलेस्ट्रॉल कमर की स्ट्रक्चर बेसी नहीं सकती है। ये वाला पोज राइट हाथ से लेफ्ट हाथ के पंजे को और लेफ्ट हाथ से राइट हाथ के पंजे को छुएंगे, सांस आने को भी बहुत तेज आएंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम दूर, कोलेस्ट्रॉल कमर की स्ट्रक्चर भी से फिनिश की जाती है। मंथन चक्र एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं, बैठ जाएंगे दंडासन में, चक्की एक्सरसाइज। पहले भी हमारी बहने क्या करती थी, चक्की चलाती थी, बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता था। पर आजकल तो साइंस के युग में ये रोल भी खत्म हो गया, अब तो हमारी बहने जानती नहीं चक्की कैसी होती है। चक्की एक्सरसाइज ये वाला को, जितना पीछे झुकेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको, पर प्लीज ज्यादा तोड़ना ना झुका, वरना आपको उठना ही मुश्किल हो जाए। बैठ जाएंगे सुखासन, नाल की पाली के लगाकर बैठ जाएंगे। अब हम चलते हैं कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज, कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज। साइंस के युग में वॉशिंग मशीन निकल गई, ये रोल भी खत्म हो गया, तो हमारी बहनों का एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया। कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम दूर, कोलेस्ट्रॉल कमर की स्ट्रक्चर पीछे फिनिश होती है। सुखासन में बैठकर बॉडी को लेफ्ट और राइट तरफ मोड़ करते हुए नासिका भूते टच करेंगे। ये पोज ओके। अब आपसे दिल से पूछे, भयंकर तनाव हिताव पड़ा हुआ आपकी पीठ के ऊपर, रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम दूर, कोलेस्ट्रॉल कमर के स्ट्रक्चर भी फिनिश, पैरों को लंबा कर लें। इसी का सेकंड पोज लगेगा, पंजे को नहीं गिराना है। पोज वही रहेगा, पंजे को नहीं गिराना है आपको। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पैरों को मोड़ लेंगे, इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। पीठ और पेट के लिए बहुत ही बेटर स्टेप है, इस पोज में आ जाएंगे। ये वाला पोज, पंजे पर पंजा चढ़ा होगा, घुटनों से घुटना टच होगा, पीठ और पेट के लिए बहुत ही बेटर स्टेप है ये वाला भी। अगला स्टेप साइटी का वालों के लिए, एक फुट की दूरी पैरों के बीच में, एक पैर खड़ा रहेगा, एक पैर के घुटने को मोड़, पैर के पंजे को छुएंगे, क्रम हो रही है पोज। पंजा इस वर्ष एक्सरसाइज में ले लेंगे, एक फुट की दूरी पैरों के बीच में, ये वाला पोज। पंजे को आगे खींचते हुए, एक बार पंजा ऊपर टच, एक बार नीचे टच, पंजा इस वर्ष एक्सरसाइज। गठिया घुटनों के प्रॉब्लम इससे भी आपका दूर होगा। अगला पोज पंजा चालान, ये पोज भी ले लेंगे, क्रमवार पंजा आगे पीछे। ओके यार भाइयों, हमारी बॉडी के अंदर लचीलापन लाने के लिए, और मेरा रिक्वेस्ट है, जिनको बीपी का प्रॉब्लम हो, हार्ट के प्रॉब्लम हो, प्लीज सूर्य नमस्कार भूल से ना करें। बाकी सब कर सकते हैं, पर जिनको बीपी का प्रॉब्लम हो, हार्ट के प्रॉब्लम हो, वो छोड़ दीजिए, आप देखते रहिए, बाकी सबको करना है। सूर्य नमस्कार की 12 स्टेप होती है,
12 स्टेप का एक राउंड बनता है, उससे एक ही अनेक लोगों के लिए बहुत हितकारी होता है। सूर्य नमस्कार। प्यारे भाइयों, दुनिया वाले सूर्य को नमस्कार करते हैं, पर रियल में सूर्य कौन है? दुनिया वाले सूर्य को नमस्कार करते हैं, पर रियल में सूर्य कौन है? ज्ञान सूर्य एक परम पिता परमात्मा है। तो कुछ शब्द के लिए हम उस ज्ञान सूर्य परमात्मा के लव में लवलीन रहेंगे। उस सर्वशक्तिमान पिता पार ब्रह्म परमेश्वर प्यारे पिता से सर्व शक्तियां लेकर पूरे विश्व के आत्मा को साकार ब्लेसिंग देते रहेंगे। सूर्य नमस्कार का पहला स्टेप, इसे बोलते हैं हम नमस्कार पोजिशन, नमस्कार आसन। अब हम चलते हैं सूर्य नमस्कार का सेकंड स्टेप, इसे बोलते हैं हम पर्वत आसन। यह वाला पोज पर्वत आसन। सांसों को छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। भूहस्ताक्षर पैर बासी होगा, पैर के पंजों के आजू बाजू हाथ के पंजे बिना घुटने बेंड किए, कपाल घुटनों से टच, भूहस्ताक्षर। एक पाद प्रसारित आसन, दोनों हाथों के बीच में एक पैर होगा, एक पैर को पसार देंगे, इसे बोलते हैं एक पाद प्रसारित आसन। नेपुटा के सामने की ओर देखेंगे। भुद्रासन, इस पैर को गाड़ी का बैलेंस बनाते हुए पीछे ले जाएंगे। भुद्रासन टेस्ट पोज, भुद्रासन। शशकासन, घुटने को मोड़ कर बैठ जाएंगे, शशकासन। अष्टांगासन, आज जगह से बारी की कोमर होगी, अष्टांगासन। भुजंगासन, कमर बिल्कुल झुका छोड़ेगा, आज की ओर देखेंगे। भुजंगासन, एक बार प्रसारित आसन। भूहस्ताक्षर, पर्वत आसन, नमस्कार आसन। वेरी गुड, एक बार और करेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। सूर्य नमस्कार का पहला स्टेप, नमस्कार आसन, पर्वत आसन, भूहस्ताक्षर, एक बार प्रसारित आसन, भुद्रासन, शशकासन, अष्टांगासन, भुजंग आसन, एक बार प्रसारित आसन, भूहस्ताक्षर, पर्वत आसन, नमस्कार आसन। वेरी गुड, तीन बार से अगर सात बार तक कर लिए आपने, बहुत कुछ है आपके लिए। आज चार चीजें आपको सिखा चुका हूं, वो प्रणाम तीन स्टेप, हनुमान ध्वज तीन स्टेप, वीर प्राण जो फिर वीर हनुमान को किया था, सात स्टेप का एक राउंड, सूर्य नमस्कार 12 स्टेप का एक राउंड। प्यारे भाइयों, चारों के अंदर 84 आसनों का बेनिफिट राउंड समाया हुआ है। अब बैठ जाएंगे सभी अपने अपनी जगह पर। प्यारे भाइयों, प्रथम श्रेणी में आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के द्वारा एक्स वाई जेड सभी रोगों से हम सहज मुक्त हो सकते हैं। जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, सेकंड श्रेणी में आता है 84 आसन। वैसे मैं 84 आसन की तरह का आसनों के द्वारा भी कई प्रकार के रोगों से आप सहज मुक्त हो सकते हैं। जो आसन भी नहीं कर सकते हैं, तीसरी श्रेणी में आती है प्राणायाम। और प्रणाम इतना बेटर चीज है प्यारे भाइयों और बहनों, छोटे बच्चे से लेकर यूथ से लेकर ओल्ड से लेकर हर आत्मा को करा के आप पूर्ण लाभ दे सकते हो।
और धड़ा के सभी रोगों से सहज मुक्ति दिला देती है प्राणायाम। अब हम चलते प्राणायाम की ओर। प्लीज अटेंशन, प्राणायाम का पूर्ण लाभ लेना है तो 6:45 से सुबह सुबह मॉर्निंग में 6:45 से हमें प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 6:45 से प्रकृति हमारी बहुत हेल्प करती है। इस समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस समय प्राणायाम करने से हमारे लंग्स को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। हमारे लंग्स को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण दमा के प्रॉब्लम, साइनस के प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम, ये इसी कारण हो रहा है। जिस तरह से आपकी बॉडी को भोजन और जल की आवश्यकता पड़ती है, उससे 10 गुना हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि आप चाहते हुए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे। रोड क्रॉस करते करते हमारा जी घुटने लगता है, इतना प्रदूषण बढ़ चुका है। और प्रयोग के द्वारा आपके लंग्स को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। तो हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। शुरुआत करते हैं भस्त्रिकी प्राणायाम। बहुत ही प्यारा प्राणायाम होता है भस्त्रिकी प्राणायाम का। दमा के प्रॉब्लम, साइनस के प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम, इनके लिए बहुत ही बेटर होता है भस्त्रिकी प्राणायाम। भस्त्रिकी प्राणायाम का पहला स्टेप, इसमें लंबी लंबी गहरी श्वास लेंगे, कुछ 1 सेकंड रुकेंगे, फिर उसी पोजिशन में श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे। थोड़ा अटेंशन देंगे, जितना वक्त श्वास लेने में लगता है इतना ही वक्त श्वास छोड़ने में लगाना है। लेने और छोड़ने की क्रिया इक्वल होना चाहिए। तो हम चलते हैं भस्त्रिकी प्राणायाम का पहला स्टेप। और हर एक प्राणायाम को बड़े आनंद से, उमंग से, उल्लास के साथ करना है। दूसरी चीज को अगर प्लीज अटेंशन देंगे, प्राणायाम करते वक्त रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी होना चाहिए। अगर पूर्ण लाभ लेना है, ऐसे झुके रहेंगे तो प्राणायाम का पूर्ण लाभ कभी नहीं मिलेगा। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होना चाहिए। और प्राणायाम के लिए आसन अति आवश्यक है। प्यारे भाई और बहनों, दरी हो, कंबल हो, चटाई हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पर बिछाने के लिए बहुत जरूरी आसन की प्राणायाम के लिए आसन चाहिए। अगर ओपन जगह में करोगे तो जो ऊर्जा कलेक्ट हुई थी वो सारी अर्थ में चली जाएगी। दूसरी चीज को पर आपको टेंशन देना होगा प्राणायाम करते वक्त, प्राणायाम के पहले की है, और सावधानियां, घुटन बंद वाले कमरे में इसका अभ्यास प्लीज भूलते ना करें। अगर आपको करने का इंटरेस्ट है तो छत के ऊपर चले जाइए, पर बंद कमरे, घुटन वाले कमरे में इसका अभ्यास ना करें। और आपने नाश्ता कर लिया तो 4 घंटे बाद या भोजन के 6 घंटे बाद इसका अभ्यास करें, पर सुबह शाम बहुत ही बेटर होगा इसके लिए। दूसरी चीज के ऊपर आपको अटेंशन देना होगा प्राणायाम। हर एक प्राणायाम को बड़े आनंद से, उमंग से, उल्लास के साथ करना है। डिप्रेशन में होकर के प्राणायाम का अभ्यास भूल देना है। और बिना मुद्राओं के प्राणायाम नहीं किया जाता है। प्राणायाम करने के लिए शरीर के आसन अति आवश्यक है। 84 आसन में सबने 5 आसन सिलेक्ट कराए प्राणायाम के लिए, इसे बोलते हैं सुखासन। इसमें भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इससे बढ़कर होगा अर्ध पद्मासन, इसमें भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इससे बेटर होगा पद्मासन, इसमें भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इससे भी बेटर होगा सिद्धासन। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई हुए हैं, सिद्धासन का आधार लेकर के अपनी सर्वसिद्धियों को हासिल किया था। इससे इंद्र की चंचलता फिनिश होती है, इसे बोलते हैं सिद्धासन। इससे भी बढ़कर होगा स्वास्थ्य का आसन, ये वाला हो स्वास्थ्य का आसन। 5 प्रकार के आसन हमने सिलेक्ट कराए हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसी आसन में बैठ जाए। अगर आपको पद्मासन का पूर्ण लाभ लेना है तो आपकी एरिया आपकी कूप से टच होना चाहिए इस पोज में, ये वाला पोज होगा। अगर पद्मासन का पूर्ण लाभ लेना है तो एरिया कूप से टच होना चाहिए। और बिना मुद्राओं के प्राणायाम नहीं किया जाता है। बिना मुद्राओं के प्राणायाम नहीं किया जाता। 18 प्रकार की मुद्रा है, इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा या शंकर मुद्रा।
केदारपति शंकर इसी मुद्रा का आधार लेकर के तपस्या के ऊपर बैठा हुआ। ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, शंकर मुद्रा। अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम हो तो वायु मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। तर्जनी अंगली अंगूठे के मोल में लगाकर अंगूठे को मोड़ देने, तीन उंगलियां सीधी, इसे बोलते हैं वायु मुद्रा। जिनको गैस का प्रॉब्लम हो 15 मिनट से 45 मिनट तक करने से गैस का प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा। भले एक बार भी कर लो, 2-3 बार मिलकर भी कर सकते हैं। जिनके मुंह में छाले हो रहे हो, जिनके मुंह में छाले हो रहे हो, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, उनके लिए जल मुद्रा बहुत ही बेटर हो। चीते उंगली के नाखून को अंगूठा दबाया, तीन उंगलियां सीधी होगी, इसे बोलते हैं जल मुद्रा या वरुण मुद्रा। जिनको बीपी का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, उनके लिए अपान मुद्रा। दिल का दौरा पड़ते से इस मुद्रा में बैठने से दिल का दौरा तब फिनिश कर देती है अपान मुद्रा। ये तो 18 प्रकार की मुद्रा है, बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम बस्त्र की प्राणायाम। इसमें लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे, कुछ एक सेकंड रुकेंगे, फिर उसी पोजिशन में सांसों को बाहर छोड़ते जाएंगे। स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका का पहला लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे। आदरणीय दीदी ने जो विजन तैयार करने के आपको उसी में रवाना करते हुए प्राणायाम को करेंगे। लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे, कुछ एक सेकंड रुकेंगे, फिर उसी पोजिशन में सांसों को बाहर छोड़ेंगे। लेने और छोड़ने की क्रिया इक्वल होना चाहिए। फिर लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे, रुकेंगे नहीं, अपनी क्रिया को जारी रखे, मेरा सुनते भी जाएंगे। लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे, कुछ एक सेकंड रुकेंगे, फिर उसी पोजिशन में सांसों को बाहर छोड़ेंगे। पूरा अटेंशन देंगे प्लीज। जितना वक्त श्वास लेने में लगता है, इतना ही वक्त श्वास छोड़ने में लगाना है। बड़े आनंद से, उमंग से, उल्लास के साथ आपको भस्त्रिका का पहला अध्ययन करना है। तो आपकी थिंकिंग होगी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की। सर्वशक्तियां मेरी बॉडी के अंग अंग में समा रही है। जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपकी थिंकिंग होगी मेरी नेगेटिविटी, विकार और शरीर की कई प्रकार की पीड़ाएं मेरी बॉडी से डिटेच होते जा रहे हैं। इसी समय में रमण करते हुए भस्त्र की प्राणायाम का पहला अध्ययन को करते जाएंगे। इसलिए उस बार भ्रम परमेश्वर का कहना है, बच्चे श्वासोश्वास मुझे याद करो। उस परम पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर बड़े आनंद उमंग उल्लास के साथ भस्त्रिका का पहला अध्ययन को करते जाएंगे। बहुत अच्छा, ये तो पहला दिन ही था आपका, इसलिए मैंने शार्ट में कराया। अब हम चलते हैं भस्त्र की प्राणायाम का सेकंड स्टेप। प्लीज अटेंशन, जिसको बीपी का प्रॉब्लम हो, हार्ट के प्रॉब्लम हो, भस्त्रिका का सेकंड स्टेप भूल से नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हो। जिसको बीपी का, बीपी हाई का प्रॉब्लम हो और हार्ट के प्रॉब्लम हो, वो भस्त्र की प्राणायाम सेकंड स्टेप ना करे, बाकी सब करेंगे। इससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्रेन खुलेगा, मेमोरी शक्ति पावरफुल हो जाएगी। मिनिमम 20 बार, मैक्सिमम 30 बार तक कोई से सोचते बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन के कारण आपका ब्रेन घूमने लगेगा, चक्कर महसूस होने लगेंगे। तत्काल रुक जाइए, वरना प्लेट जाओगे, दूसरों का आपको आकर आपको उठाना पड़ेगा। भस्त्र की प्राणायाम का सेकंड स्टेप, तो बहुत ऊपर अंगूठा नीचे, मुट्ठियों को काट लेंगे, कोहनी को मोड़ लेंगे, ऊपर हाथ जाते समय लंबी गहरी सांस लेंगे, पंजा खुल जाएगा इस बार में, ये तोड़। नीचे हाथ लाते समय मुट्ठी बंद होगी, नासिका से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। नहीं, ऊपर हाथ जाते समय जमीन गहरी सांस लेंगे, नीचे हाथ लाते समय नासिका से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जब तक आपका ब्रेन घूमने न लगे, जब तक चक्कर महसूस न होने लगे, तब तक थोड़े ठीक से जाएंगे। ओके, सर
सब कुछ हमारे भाई ऐसे कर रहे हैं। भले दो बार करो प्यारे भाई और बेटा, कोई बेनिफिट नहीं है, एक पंच दो कार डबल इसमें बेनिफिट है, एक्सरसाइज और भस्त्रिका का सेवन प्राणायाम डबल बेनिफिट है। कौन इसी पोज में आपको करना होगा, ऊपर भाई ऊपर जाते समय लंबी गहरी सांस लेंगे, पंजा खुल जाएगा, नीचे हाथ लाते समय नाभि का जो आपको वो बाहर छोड़ेंगे, जिसकी रोग की प्रैक्टिस है वो भी जब तीन बार से आगे नहीं कर सकता है भस्त्र की प्राणायाम का सेकंड स्टेप। चलो अब हम चलते हैं कपाल भाति प्राणायाम, बहुत ही प्यारा होता है प्यारे भाई बहनों कपाल भाति प्राणायाम। मैं तो गौरों के साथ कहूंगा इस धरा की संजीवनी बूटी है कपाल भाति प्राणायाम, इस धरा पर ऐसा कोई रोग नहीं है जो कपाल भाति प्राणायाम के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता हो। अल्सर, कैंसर, एड्स जैसे खतरनाक रोगों से तक मुक्ति दिला देती है कपाल भाति प्राणायाम। हाई बीपी वाले हार्ट पेशेंट के ड्रगिंग तक खोल देती है कपाल भाति प्राणायाम। उदर के सभी रोगों से छुटकारा दिला देती है कपाल भाति प्राणायाम। जिस व्यक्ति का मोटापा बढ़ गया है, अगर आपको मोटापा कम करना है तो 15-20 मिनट तक आपको कपाल भाति प्राणायाम करना ही होगा। जो व्यक्ति नाई को सबे सबे खर्राते रहते हैं, खून गर्म लग जाता है, खर्राते तक से मुक्ति दिला देती है कपाल भाति प्राणायाम। मैं तो गौरों के साथ कहूंगा प्यारे भाई और बहनों, आपके दिन चेहरे में आपने कपाल भाति को एड कर दिया है तो धरा का कोई भी रोग आपको छू नहीं पाएगा। इसका हजारों हमने रिजल्ट लिया है अभी तक। कपाल भाति प्राणायाम में ऋषि की सिद्धि होगी, ज्ञान योग मुद्रा में घुटने पर पंजा होगा, सौ भार फेंकेंगे पेट अंदर जाएगा। जैसे आप नासी का काम करते हो तभी पेट अंदर जाता है, वॉमिट होती है तभी पेट अंदर जाता है। लोअर की ढोकनी की पोजिशन कपाल भाति प्राणायाम स्टार्ट करेंगे वाला को। प्लीज सांस लेने की क्रिया की ओर ध्यान न दे, आदरणीय दीदी कुछ बोल रही है, थोड़ा सा ध्यान दे। एक सेकंड में आपको एक ही बात एक झटके से सांस छोड़ना है, लेने की क्रिया अपने आप होगी, घड़ी की टिप टिप की तरह आप उसको छोड़ेंगे, लेने की क्रिया पर ध्यान नहीं देंगे, लेने की क्रिया अपने आप ही होगी। और इस समय भी नेगेटिविटी बाहर जा रही नहीं थी, लेकिन वो हमारे अंदर की विकार बाहर जा रहा है। अटेंशन प्लीज, सांस लेने की क्रिया जो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और ये सांस बाहर फेंकने पे अंदर जा गई और आप पश्चात
फिर आपको करना होगा। अब हाँ फिर स्टार्ट करते हैं कपाल भाती। रुकेंगे नहीं प्लीज, खींच से जाइए, सांस बाहर फेंकेंगे पेट अंदर जाएगा। मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट असाध रोगी कपाल भाती प्रणायाम को 20 मिनट तक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। ओके, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, सांसों को बाहर फेंकेंगे पेट अंदर जाएगा। 13 दिन होने के कारण आप इतने ही बहुत हैं, पर धीरे धीरे आपको इसका त्याग बढ़ाना ही होगा। कपाल भाती का थोड़ा और करते जाए, रुकेंगे नहीं, सांस बाहर फेंकेंगे पेट अंदर जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं कपाल भाती प्राणायाम के पश्चात कपाल भाती प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? कपाल भाती प्राणायाम, कपाल धोती, कपाल धोती। अभी तक किया था आपने कपाल भाती। कपाल भाती ने कहा मैं सद्धरा की संजीवनी बूटी हूं, तो कपाल धोती ने कहा मैं भी तेरे से कम नहीं हूं। कपाल धोती ने कहा मैं भी तेरी कंपटीशन वाली हूं। कपाल धोती ने कहा बिल्कुल तेरे से बेनिफिट कम नहीं है। तो प्यारे भाइयों, कपाल धोती प्राणायाम को सबसे ज्यादा करता है डाग। डाग जब धक धक के जब थक जाता है, जबान बाहर निकाल के जंपिंग के साथ सांसों को बाहर फेंकता है। उस टाइम को अगर सर के ऊपर लाठी मारने की कोशिश करो तभी वो नहीं भागेगा। उसको मालूम है मुझे कपाल धोती की जरूरत पड़ गई है। 5 मिनट के अंदर ही अंदर उसके लंग्स सबल बन जाएंगे। फिर वो कहेगा बंदा जितना तूने दौड़ा आजा मैदान में, फिर दौड़ने के लिए मैं रेडी हो गया। इससे आपके लंग्स सबल बनेंगे। कपाल धोती जैसे आपके कपड़े मेले हो जाते हैं तो आप क्या करते हो? धुलाई करते हो, कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं, तो हमारी लंग्स की धुलाई करती है कपाल धोती प्राणायाम। सभा के प्रॉब्लम, साइनस के प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम इस प्राणायाम के द्वारा भी ठीक किया जाता है। कपाल धोती प्राणायाम यह बोल लेगा प्यारे भाई और बहनों, कपाल धोती का ज्ञान योग मुद्र में घुटने पर बन जा। जब आप बाहर निकालेंगे जंपिंग के साथ सांसों को फेंकते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ उड़ते हुए फिर अपनी पहली पोजीशन में आ जाएंगे। कपाल धोती प्राणायाम हमारे लंग्स की धुलाई करती है और सबसे ज्यादा इसको करता है डार। कपाल धोती प्राणायाम ये वाला मुझे बार मेरे को देखते ही फिर मेरे साथ करना है कपाल धोती। बहुत अच्छा, इसे बोलते हम कपाल धोती प्राणायाम। दांत जबान को बाहर निकाल के जंपिंग के साथ सांसों को बाहर फेंकता है। इससे हमारे लंग्स सबल बन जाते हैं। दमा का प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम को चूमंत्र कर देती है कपाल धोती प्राणायाम। स्टेमिना भी बढ़ेगा इस प्राणायाम के द्वारा आपका। करेंगे सभी कपाल धोती, जबान बाहर निकाल के जंपिंग के साथ सांसों को फेंकेंगे। डाक क्या करता है? जबान बाहर निकाल के जंपिंग के साथ सांसों को बाहर छोड़ता है। यह वाला पोस्ट कपाल धोती करेंगे से। बहुत अच्छा, फजा की प्रैक्टिस आपकी, तो ये प्राणायाम आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा। अधिकतर आचार्य तो जहां मेरे प्रोग्राम होते हैं कई आचार्य मिलते हैं, बोला आचार्य सारी तेरी चीजें अलग मिलती है, कहां सिखाए तूने, और आपका गुरु कौन है? मैंने कहा दिल से पूछा जाए तो बाहर एक गुरु है, उस पार भक्त परमेश्वर उसी प्यारे शिव बाबा की कमान है जो निमित बनाकर हजारों आत्माओं का कल्याण करा रहा है। तो प्यारे भाइयों, अब हम चलते हैं कपाल धोती प्राणायाम के पश्चात। पूरा तो मैं नहीं करा पाऊंगा, कुछ बचा हुआ मैं शाम को कराऊंगा, तो शाम को थोड़ा सा रिपीट तो भी हो जाएगा, एक काम पूरा नहीं हो पाएगा। 12 प्रकार की प्राणायाम होती है, फिर मुझे आगे मुद्रा भी तो कराना है आपको लास्ट दिन। चलो नेक्स्ट,
कपाल भाति और कपाल भाति के पश्चात अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये भी आपका पूरा हो गया, भस्त्री की प्राणायाम भी हो गया। भस्त्री की प्राणायाम का पहला स्टेप एंड सेकंड स्टेप कपाल भाति प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम। अब हम चलते भाई प्राणायाम, उधर से संबंधित सारे प्रागम को फिनिश कर देती है प्यारे भाई और बहनों। कपाल भाई प्राणायाम बहुत ही प्यारा प्राणायाम होता है, विशेष करके जिनको टाइप का प्रॉब्लम हो और कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो उनके लिए तो रामबाण तुल्य रहेगा भाई ये प्राणायाम। बार छोड़ने के पश्चात तीन बंद लगाते हैं इसमें, दाढ़ी को मोड़ कर कंठमुख से लगाने को जनन दर्शन बोलते हैं। पेट को इतना खींचे के पीठ से सटलना पूरा भूखा जैसा बन जाएगा आपका पेट, पीठ से सटलेंगे इसे उड़ान तक बोलते हैं। गुदादार मलबार सोपर क्यों खींचेंगे, जैसे किसी को फ्रेश होना कंट्रोल करता है, मलद्वार गुदादार को ऊपर क्यों खींचेंगे और कुंभक करेंगे, कुंभक से श्वास को रोकेंगे। जब श्वास और फुलने लगता है स्लो बोलते धीरे धीरे श्वासों को लेते हुए तीनों बंद को छोड़ते हुए फिर अपनी पहली पोजिशन में आ जाएंगे प्राणायाम। हार पेशेंट भूल से ना करें इस प्राणायाम को। नेक्स्ट पहली प्राणायाम, एक बार देख लीजिए कैसे होता है इसलिए मैं बता रहा हूं। पहली प्राणायाम लंबी गहरी सांस लेंगे, एक सांस छोड़ के फाड़ छोड़ देंगे, फिर तीन बंद लगाएंगे, दाढ़ी को मोड़ कर कंठ से लगाने को जनन दर्पण बोलते हैं। पेट को इतना खींचेंगे पूरा भूखा जैसा बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं उड़ियान बंद। खुदा चार मन द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे फिर कुंभक करेंगे। ये वाला आपको आत्मा को
कि बहुत जबरदस्त अच्छा बोल दिया है उसने, हजारों आत्माओं को भी ठीक किया है। नेक्स्ट, तो बोले अगर मैं आधा आधा घंटा कपाल भाती करता हूं और जैसे मैंने कपाल भाती का उसको स्टार्ट किया है, मैं दिनों दिनों पेशेंट बनता जा रहा हूं और लोगों को ग्रस्त होता जा रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल राज, बिल्कुल मैं झूठ भी बोल रहा हूं। मैंने कहा मेरे सामने बैठ के लिखा एक बार करके, तो कपाल भाती कर रहा था। मैंने कहा अच्छी तरह से डांस कर, ढंग से डांस नहीं हो रहा है। तो प्यारे भाई और बहनों, राइट की जगह आपने रन किया है तो जितना बेनिफिट मिलता है उसे दुगनी हानिया भी हो जाती है। इसीलिए कहा है देखा देख करे योग, घटे काया पड़े। अब हम चलते हैं अगला प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। शर्त एक ही है प्यारे भाई और बहनों, जब तक योग एक्सरसाइज चलती रहे तब तक बुद्धि की तार बार राम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। अच्छा हाथ खड़ा कीजिए योगा के समय जिनको परम पिता पर महात्मा शिव बाबा याद है, हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड, वेरी वेरी थैंक्स सभी भाई और बहनों। और भी कोशिश किए कीजिए, जब तक योगा एक्सरसाइज चलती रहे तब तक हमारी बुद्धि की तार पार ब्रह्म परमेश्वर प्यारे शिव बाबा के साथ हमारी बुद्धि की तार जुड़ी रहे। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, डबल एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही प्यारा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा नासिका के सारे जिनको सर्दी जुकाम होता हो, बार बार एलर्जी होती हो, इनमें तो बेनिफिट मिल रही है आपको। एक सप्ताह के अंदर बार बार जुकाम हो रहा है सारे प्रॉब्लम एक सप्ताह के अंदर आप रिजेक्ट ले सकते। एलर्जी होना, बार बार जुकाम होना और एक नहीं हजारों हजारों रोगों से सहज मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेटर होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। महर्षि पतंजलि कहा करते थे, महर्षि पतंजलि कहा करते थे हमारी बॉडी के अंदर 72,00,000 10,210 नाड़ियां हैं। इन सब नाड़ियों का शोधन किया जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। तो हम चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हाथ से सूर्य सर को बंद कर रहे हैं, शुरुआत और एंड चंद्र स्वर से आपको करना होगा। सूर्य स्वर राइट वाला होता है, लेफ्ट वाला चंद्र स्वर होता है। तो सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र स्वर से लंबी गहरी श्वास लेंगे और फिर एक बार छोड़ देंगे, इसके बजाय फिर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करना, दर्जनी अंगली कपाल पर रख लेंगे, तीनों उंगलियां प्यार
प्यार से नासिक से सटते प्यार से आंखों को बंद कर लेंगे, अंगूठे से काने पर से ढक्कन खोलते हैं इनको, इनको ऐसे दबाएंगे तो भाई आवाज आपको सुनाई नहीं देगा। फिर लंबे गहरी श्वास लेंगे, जैसे फूलों पर बावरा मंडराता है गुंजन करता है, ऐसे ब्रह्म की गुंजन के साथ आपका श्वास बाहर जाएगा। स्टार्टिंग करेंगे न आपने कबूतर का आवाज तो सुना होगा।
कोई सुन जाए ना इसे तोड़। करने का बहुत उच्च जाए, बहुत अच्छा हो रहा है। रियल में जैसे एक जगह में कर कबूतर है, उड़ उड़ के आ गए बाजू में, वो भी डांस करने लग गए इसी स्वर को सुन करके। तो बहुत उच्च जाए, थायराइड का प्रॉब्लम, तांत्रिक का प्रॉब्लम, कब के प्रॉब्लम, खले में खराश होना, खर खर की आवाज आना, सारे प्रॉब्लम को दूर कर देती है कपोत उच्चाई प्रणय। यही तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुना रहा, कपोत उच्चाई, कपोत मीन्स कबूतर, बहुत अच्छा प्राणायाम है, आहार नली से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर कर दिया जाता है। अगर उच्चाई प्राणायाम ही नहीं कर सकते हैं, कपोत उच्चाई भी नहीं कर सकते हैं, तो काली का मुद्रा करके भी आप पूर्ण लाभ ले सकते हो। आपकी आचार में बताया गया है, काली कलकत्ता वाली तेरे बचन न जाए खाली, हम काल पर विजय प्राप्त करने वाली सच्ची सच्ची काली का है। यह आपका आशीर्वाद वचन में रहेगा। ये ज्ञान योग मुद्रा में घुटने पर बन जा, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक साथ सांसों को भार फेंकते समय जब आप भी भार फेंकेंगे और कुंभक करेंगे, कुंभक में श्वास को रोकेंगे, जब श्वास और फूलने लगता है, स्लोक बंद में श्वासों को लेते समय आपकी जबान अंदर जाएगी। काली का मुद्रा आया, ऊपर जाता है। अच्छा, से हाथ खड़ा करें, जिनके कानों में से एयर क्रास हुए वो हाथ खड़ा
कानों का पहना, कानों का पकना, कानों में पर्दे लग जाना, माइग्रेन का प्रॉब्लम, मेमोरी शक्ति पावरफुल हो जाएगी, गुलाब प्रणाली आपका दूर कर देती है। ब्रेन उन मुनि मुद्रा अधिकतर हमारे भाइयों का नी हाथ उठा है तो आपके कानों में ज्यादा पर्दे लग रहे हैं कि रंग कर रहे हो। इस बार ढंग से करेंगे कि लेफ्ट आर्म सर के ऊपर महसूस कीजिए आपके सर के ऊपर किसका हाथ है, अपने परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान पिता मेरी छत्र छाया बन गया है, उस प्यारे सर्वशक्तिमान पिता का हाथ मेरे सर के ऊपर है। लंबी गहरी सांस लेंगे इस बोझ में, फुल सांस भरने के पश्चात नासिका बंद और मुंह भी बंद, नासिका भी बंद मुंह भी बंद, और जब भी के साथ तो फेंकेंगे तो आंखों से भी निकलेगी और कानों से भी क्रास हो जाएगी, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और कान बढ़ेगा सब प्रॉब्लम दूर। लंबी गहरी श्वास लेकर के कानों के में प्रेशर देना है, नाक और मुंह बंद करना है, तो जो श्वास आपने लिया है कानों से बाहर जाएंगे। लंबी गहरी नाक से श्वास लेना है, नाक को बंद करना है, मुंह को बंद करना है, प्रेशर देना है, दबाव देना है, तो आप देखिए कानों से वो एयर जाएगी आंखों से। अब आप बता रहे थे हाथ खड़ा कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनका जाम होगा उनका भूंगोले जैसे आवाज भी आएगी, थोड़ी से एयर जैसे बाहर नहीं जाएगी तो एक गुड़गुड़ की आवाज भी कानों में आएगी। कल फटाके प्रॉब्लम भी दूर, मेमोरी शक्ति वो भी आपकी पावरफुल हो जाएगी, भुलक्कड़पन आ चुका है ये भी आपका दूर हो जाएगा, माइग्रेन का प्रॉब्लम जिनका ब्रेन घूमता है चक्कर आते, ब्रेन से संबंधित नाम है उसका ब्रेन उन्मुनी मुद्रा, ब्रेन से संबंधित सारे प्रॉब्लम को फिनिश कर देती है ब्रेन उन्मुनी मुद्रा, और कर्ण पीड़ा के भी सब प्रॉब्लम से चू मंत्र दिला देती है ब्रेन उन्मुनी मुद्रा। लास्ट में हम ले लेते हैं बाघ आसन, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम हो, टांसिल का प्रॉब्लम हो, कफ के प्रॉब्लम हो, गले में खराश होती हो, खर खर की आवाज आती हो, जब बच्चे तुतलाते हो, जिनकी जबान लड़खड़ाती हो, ये सारे प्रॉब्लम को दूर कर देता है बाघ आसन। बैठ जाएंगे बाघ आसन, इसी पोजिशन में बैठता है ये वाला ओके। जबान बाहर निकलेंगे और शेर की आवाज में आपको धारना है, पांच सात बार धारने से ही आपके मुंह की तरफ से लारे गिरने लग जाएगी, और प्लीज यहाँ पर लारे नहीं गिराना, मेरे पास धुलाई करवाने का आपको ही नहीं, ठीक है ना। तो 10-12 बार तक 15 बार तक कीजिए, मुंह की तरफ से लारे गिरेंगे, गिरने दीजिए, फिर गले का मसाज कर लीजिए, थायराइड का प्रॉब्लम, टांसिल का प्रॉब्लम, कफ के प्रॉब्लम, गले में खराश होना, खर खर की आवाज आना, सारे प्रॉब्लम से चू मंत्र कराता है बाघ आसन। एक बार मेरे को देख ले, शेर की आवाज इस पोजिशन में धारे, मुझे शेर की आवाज नहीं आ रही, मुझे बकरी की आवाज सुनाई दे रही है। आप बकरी वाली नहीं शेरा वाली हो, बकरी वाली हो कि शेरा वाली हो, शेरा वाली हो तो शेर की आवाज में धाड़ना है, बकरी की आवाज में नहीं धाड़ना है। 2-3 बार मेरे को देख लीजिए शेर कैसे धाड़ता, फिर मेरे साथ स्टार्ट कीजिए बाघ आसन, थोड़ा सा ओके नेक्स्ट जबान बाहर निकाल हो, गले में खराश होती हो और गर्भ
कब कब प्रॉब्लम हो, गले में खराश होती हो, खर खर की आवाज आती हो, आहार नली से संबंधित सारे रोगों को फिनिश किया जाता है। प्यारे भाइयों, चार आइटम है, उच्चाय प्राणायाम, कपोत उच्चाय प्राणायाम, काली का मुद्रा और बाद आसन, इनका हम चैलेंज करते हैं। आहार नली से संबंधित सभी रोगों को फिनिश कर देता है। अगर जो हमारे भाई और जो बहन जो कर नहीं सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट नहीं हो, तो एक मिनट के लिए मेडिसिन और लिख लीजिए, एक मास सवा मास के अंदर थायराइड टॉन्सिल के रोग फिनिश हो गए। ये आपके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, पर जो नहीं कर सकते उनके लिए त्रिकुटा चूर्ण 50 ग्राम, त्रिकुटा चूर्ण 50 ग्राम को एक लिख लेंगे, बाद में बता देना इनको। त्रिकुटा चूर्ण 50 ग्राम, पहला चूर्ण 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, तीनों को मिक्स कर लीजिए। दो दो ग्राम की मात्रा में लेकर सुबह शेद हनी के साथ ऐसे फेंट लीजिए, और सुबह खाली पेट चाटना है। एक दो मास के अंदर थायराइड का प्रॉब्लम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। पर आपको जरूरत नहीं है, आपको तो दवाइयां लेना ही नहीं है, बिना मेडिसिन के ठीक हो जाओ। चलो नेक्स्ट, इसके पश्चात अब हो गया ना ओके, अच्छा ओम। चलो नेक्स्ट, उचित प्राण ले लेंगे, उसका क्या करें। और मेन चीज आपका छुटा हुआ है, मेरी जीवन कहानी भी आप सुन लेना। प्यारे भाइयों, बाल्यकाल से ही मैं ईश्वरी ज्ञान में 7 मैंने गुरु किए थे, 4 वेद, 18 पुराण, 64 उपनिषद में से मैंने कोई कोई शास्त्र छोड़ा होगा जिसका मैंने अभ्यास नहीं किया हो। एक एक मास सावन के मन जय श्री ओंकार जाप करता था, 9 रात्रि में 1 लौंग और 1 गिलास पानी लेता था। इसी जगह मैंने काफी कठोर तपस्या भी की है, पहले मैंने बहुत भक्ति किया है, पर भक्ति का फल ज्ञान होता है। रामायण में भी कहा है, राम भक्त जग 4 प्रकारा और ज्ञानी प्रभु को विशेष प्यारा। भक्ति को अच्छा प्यारा नहीं बताया है, ज्ञानी प्रभु को विशेष प्यारा। तो 9 साल की उम्र से भक्ते भक्ते आज मेरी ये उम्र हो गई है। आज मेरा जो लक्ष्य था, जिसे मैं पाने की चाहत लेके बैठा था, इसी संत में आकर उस पार ब्रह्म परमेश्वर प्यारे शिव बाबा का शुक्रिया है। जो मेरा लक्ष्य था, मेरे लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ आकर ही मुझे हुई है। तो सत्य पिता की पहचान उस ज्योति स्वरूप का, सत्य स्वरूप की परिचय और उसका ध्यान, इसके बारे में आपको और भी डिटेल से बताएंगे। पहले हम उद्गीत प्रणाम कर लेते हैं, इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बनता है। योगियों की शक्ति का साधन है उद्गीत प्राणायाम। जहां पर उद्गीत की प्राणायाम होती है, वहां से इविंग तक लीकेज हो जाती है। नेक्स्ट ज्ञान योग मुद्रा में लंबी गहरी श्वास लेंगे और उनकी गुंजन करेंगे। जब महाशब्द के ऊपर आते हैं तो होंट आपस में टच हो जाएंगे, करेंगे सभी खुले दिल से। कुछ भाइयों का डिमांड है, भाई हमें स्कूल में और निपुण होना है,
तो हमारे लिए कुछ मीटर बनाइए जिससे हम थोड़े और स्ट्रांग हो जाए, इस फील्ड में हम निपुण हो जाए। हमारी चाहत है हमें थोड़ा सा हाई लेवल का करा दीजिए। दो दिन से कुछ भाइयों की डिमांड हो रही थी, आर्मी वालों को भी मैंने कराया है और नगर सैनिकों को भी कराया है, वो तो नहीं आ पाए हैं। पर हमारे भाइयों को जिनका इंटरेस्ट हो इस योगाचार्य इस फील्ड में कूदना है, निपुण होना है, तो पूरी बॉडी को लचीलापन बनाने के लिए, रोगों से मुक्ति पाने के लिए और हर एक जॉइंट को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ यहाँ पर मैंने टिप्स और कुछ चार ऐड किया है, वो और शूटिंग हो जाएगा ताकि सभी भाई जन कर सकते हो। या पहले वो करेंगे बाबा वाला परिचय है ना, बाद में टिप्स बता देगा। और बस लास्ट ये बचे आपको प्यारे भाइयों, आज तक ऐसी चीजें आपको किसी भी आचार्य और किसी खिलाड़ी के पास देखने को नहीं मिली होंगी। अनोखी चीज मिल रही है आपको, 10 मिनट का टाइम है, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट के अंदर आपका पूरा हो जाएगा। जिम में गजिया घुटनों के प्रॉब्लम नहीं होंगे, आपकी बॉडी के अंदर तो मच लची बल्लापन आएगा और 84 आसनों में निपुण हो जाओगे। बहुत सारे आसन है जो पूरी बॉडी का वेट आपको कलाई के ऊपर उठाना पड़ता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल लचीलापन नहीं होगा तो ये आसन आपके छूट जाएंगे। तो अब मैं ले चलता हूं आपको 24 प्रकार का डिप्स और 8 प्रकार का चार्ज। हमारी शक्ति हमारी बहने देखेंगी, आप सिर्फ देख सकते हैं भाइयों को करना है। मैं सिलेक्ट भाइयों को कुछ इकट्ठा करूंगा, इसमें सभी नहीं आएंगे, मुझे 10-12 भाई चाहिए। नेक्स्ट लाल टी शर्ट आई और पीछे में से काली शर्ट आ जाइए। हाँ हाँ, और आप भी उठाइए, जरूर आप लेना ही है। आइए आइए, 4 प्रकार के डिप से आगे नहीं जानता है, और 8 प्रकार का चार आपकी बॉडी का तमंचा बन जाएगी। हकीकत कह रहा हूं, देखने में तो मैं आपको बड़ा सिंपल लग रहा हूं, अपने मुंह से नहीं कहूंगा, पर जहां जहां मेरे प्रोग्राम होते हैं, ये तो गार्ड टिकट के ऊपर वाले की बाप दादा का शुक्रिया, उसे कुछ कराना था। अब आदरणीय दीदी क्रमवार बोलती जाएगी, जिसके नाम नहीं इसके बाद शरीर के अंदर अच्छे लगभग कहां करेगा। चलो नेक्स्ट, ये हटा देंगे, चिकना है ना इसको हटा देंगे, कोने में आएंगे हमारे भाई, जो करना चाहते सीख लीजिए, बड़ी जबरदस्त और नक्सल चीजें। और शूटिंग वाले भाई थोड़ा सा ढंग से इस चीज को अच्छा आना चाहिए। बेला डिप्स, जनरल डिप्स, आ जाएंगे इस फौज में, ये वाला फौज आ जाएंगे सभी भाइयों इस फौज में। बेला डिप्स मुझे उतार देता हूं, जनरल डिप्स, क्या नाम है जी? जनरल डिप्स, ये फौज पहला स्टेप से जाइए, शॉटिंग से ज्यादा नहीं, क्योंकि 24 प्रकार का दो दो लगाओगे तो कहां पहुंचोगे। ओके रुक जाइए, सेकंड है लचीला डिप्स, सेकंड नंबर है लचीला डिप्स, ये पहुंच 3 जगह से टुकड़े होंगे आपकी बॉडी के। ये वाला लचीला डिप्स, घुटने तोड़ेंगे, कमर तोड़ेंगे, शोल्डर तोड़ते उठना, 3 जगह से टुकड़े होंगे बॉडी के। जंपिंग डिप्स, बहुत जरूर चाहिए, जंपिंग डिप्स है, जंपिंग डिप्स, ये वाला पोज। चलिए स्टार्ट, बहुत अच्छा, चलिए जंपिंग, चलिए चलिए बहुत अच्छा, सब करना है बहुत अच्छा, देव जाम वेरी गुड। मुक्का डिप्स प्लस मंकी डिप्स, नहीं एक एक दोनों साथ साथ में बोलिए, एक सब लिखा है ना, ओ प्लस में पहले एक बोलेंगे, पहला मुक्का डिप्स, मुक्का डिप्स ये वाला पोज, अंगूठे से मोल देंगे, मुक्का डिप्स ये पोज, ये वाला पोज। मंकी डिप्स, मंकी डिप्स, कलाई बहुत मजबूत बन जाता है, मंकी बहुत अहंकार झपट मारती है, कलाई मजबूत करने के लिए मंकी डिप्स ये वाला पोज, पूरा बॉडी का वेट इसके ऊपर आएगा, मंकी डिप्स। चलो
15 स्पर्श टिप्स। नंबर छठवां नंबर 15 स्पर्श टिप्स। तीस वाली उंगली पहचान दस में ये पाओ। पंजा मजबूत। नेक्स्ट बहुत अच्छा टच कीजिए। 20 वाली उंगली टच होना चाहिए। गरुड़ टिप्स। बहुत अच्छा गरुड़ टिप्स। गरुड़ टिप्स फिंगर स्ट्रैंग के लिए गरुड़ टिप्स। ये वाला कोड गरुड़ टिप्स। मजबूत होना फिंगर आपका। आठवां है पिस्ट डिप्स। पिस्ट डिप्स आठवां नंबर ये पोज। पिस्ट डिप्स पंजे में पंजे फंसा देंगे। पिस्ट डिप्स गुड बहुत अच्छा। नेक्स्ट नौवां है पैर पंजा हाथ पंजा स्पेशली बहुत अच्छा ये पोज। पैर पंजा हाथ पंजा स्पर्श डिप्स सभी बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा वेरी गुड। ओके अगला शीर्षक पंसारिता डिप्स। पंसारिता डिप्स ये पोज। ओके चक्री डिप्स बहुत अच्छा। चक्री डिप्स ये वाला पोज भाइयों ये पोज चक्री डिप्स। चलिए करो करो कोशिश। चलो नेक्स्ट अगला बोलिए। सेकंड चक्री डिप्स। सेकंड चक्री डिप्स ऐसे ये पोज करो करो ऐसा सब ये हाँ कर रहे गुड हो रहा है बहुत अच्छा। कलाई डिप्स वेरी गुड बहुत अच्छा। कलाई डिप्स कलाई डिप्स नंबर 13 तेरा नंबर कलाई डिप्स ये पोज। चलिए चलिए कलाई डिप्स एक हाथ डिप्स। अगला स्टेप एक हाथ डिप्स कर रहे हैं वो ऐसे। वेरी गुड बहुत अच्छा लगा है आपकी बारी के अंदर। 15 है अजगर पकड़ डिप्स बहुत अच्छा। अजगर पकड़ डिप्स अजगर पकड़ डिप्स अजगर पकड़ डिप्स कीजिए। मेरे को हो जाएगा धीरे धीरे ओके। नेक्स्ट सूर्य नमस्कार डिप्स। सूर्य नमस्कार डिप्स नंबर 16 सूर्य नमस्कार डिप्स। कमर मोल्ड पंजा स्पर्श टिप्स। कमर मोल्ड पंजा स्पर्श टिप्स
ये सोच तीसरा
ये बोन भी हमारे भाइयों के लिए था और अभी प्रसाद हो गया है। आज सुबह शाम लास्ट है आज मेरा, तो सभी भाई प्लीज बैठे रहे, दो मिनट में प्रसाद आ रहा है, सभी प्रसाद लेकर ही जाएंगे। भाई गया है, जब तक आने वाला है। और मेरा रिक्वेस्ट है जिनको इस फील्ड में आचार्य बनना है, इस फील्ड में निपुण होना है, ये उनके लिए था, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं मेरे लिए। बहुत सारा मैटर मैंने सिखाया आपको, वही करेंगे। बाकी जो छोटे बच्चे हैं या जिसको निपुण होना है इस फील्ड में, ये उनके लिए है। जब ये बाबा का बच्चा बन गया था उस प्यारे परमपिता परमात्मा का, तो मेरे से लौकिक में दो भाई एमपी के जाने माने दादा है, हंसराज पहलवान और पप्पू पहलवान, जो दिल्ली बॉम्बे दंगल करवाते हैं। तो हमारे वही के हैं इंदौर के हंसराज पहलवान, पप्पू पहलवान, और बड़े जाने माने पहलवान हैं। मेरा तो बड़ा शौक था बाल्यकाल से ही कुश्ती का, तो जहां जब प्रोग्राम होते थे मैं भी जाता था देखने के लिए। तो नेक्स्ट उस प्रोग्राम में मैं भी गया और काफी पहलवान आए हुए थे, मेरे को भी इंटरेस्ट था। एक पहलवान चैलेंज दे रहा था, है कोई माइक वाला, तो उसकी बॉडी और सीना देख के लोगों थर्रा उठे, कोई भी तैयार नहीं हुए। जब मैं बाबा का बच्चा बन चुका था, देहाभिमान से मैं परे हो चुका था, फिर उसके जोश भरी आवाज सुनकर मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाया। मैं आखिर अचानक खड़े में कूद गया, कि मैं आपके साथ कुश्ती करूंगा। तो बोलने लगा, तेरे माँ बाप रोएंगे, तू मरने के लिए क्यों आया है। वो 98 क्विंटल के लगभग अभी होगा, मैं 60-70 से भी कम हूं, 70 भी नहीं है मेरा। नेक्स्ट मैंने कहा आप बहुत हल्के हो, इसलिए मैं तेरे से कुश्ती के लिए आ गया। तो जो इंदौर के हंसराज पहलवान, पप्पू पहलवान जगह जगह दंगल कराते हैं, संपर्क वाले काफी अच्छे दोनों भाइयों का उनका इंटरेस्ट। तो मैंने उसके चैलेंज के ऊपर मैं कूद गया, मैंने जाके हाथ मिलाया, बोला तेरे माँ बाप रोएंगे। मैंने कहा रो, वो तो दूर बात की बात है, पर आप बहुत हल्के, उसके में आ गया और उसको जोश दिला दिया। जैसे हम आमने सामने पकड़ करने लगे, एकदम जम लेकर उसको कूद गया, पीछे ढूंढ रहा है कहां है। मैंने कहा भगा दे, मैं तेरे पास में ही। वैसे 65 पकड़ होगी दाव पेंच की, और अभी तक की लाइफ में मेरे सर में बाल इतनी कुश्तियां भी जीती है मैंने, एक मिनट से ज्यादा आज तक मेरी लाइफ में कुश्ती नहीं हुई है मेरी। एक मिनट से ज्यादा हो जाता मैं स्वयं ही हार जाता था, तो एक ही पकड़ जो मैंने किया था 65 स्टेप। तो मैं एक पकड़ बताना चाहता हूं, जब उस्ताद के साथ मेरी पकड़ हुई, मेरे को यकीन था अगर उसने पकड़े मेरी हड्डियां हड्डियां छोड़ डालेगा, मेरे को मालूम था। पर मुझे उसका उस्ताद की बात याद आ गई थी कि ताकत गांडू दाव बादशाह, ताकत गांडू दाव बादशाह, मुझे जोश चढ़ गया। मैंने कहा जाइए, तो मैं वही पकड़ आपको बताने जा रहा हूं। मैं गिराऊंगा नहीं इन सभी महारथी में से, तो भाई आ जाइए, आप तो मेरे भाइयों सोचने नहीं, कोई भी आ सकते हैं, आ जाइए, कोई भी आ जाइए, एक्स वाई जेड आप ही आ जाइए, आ जाओ भाइयों, सभी मेरे भाई हैं। यही पोज था और वो इतना भारी था कि अगर मेरे को पकड़ लेगा हड्डिया हड्डिया को चूर डाला, अरे जंगों में फंस पड़े थे उसके। जैसे हम दोनों ऐसे आए, मेरी कमर पकड़ ली, ऐसे मेरे को पकड़ लिया था, ताकत लगाओ। अब इतना ताकत लगा रहा, मेरी पूरी पसने चूर चूर हो रही थी। मैं सोच रहा था अगर 2-5 मिनट मेरे पर नहीं छोड़ा है तो ये मार डालेगा, मैं उसके पैर पकड़ दो, इतनी मोटी मोटी जंग है, पैर भी नहीं खींचता, ये पैर पकड़ दो तो ये भी नहीं खींचता है। मैं हैरान हो गया, ना तो पैर खींचते हैं ना छोड़ा पाता हूँ, घबरा गया। अब क्या करना चाहिए, 1 क्विंटल से ऊपर, 1 क्विंटल 5 kg, अब ये हल्का था। अब उस्ताद की बात सच हुई, ताकत गांडू दाव बादशाह, हिम्मत आ गया, अब मैं इसको ले जाऊंगा। मैंने कहा अलर्ट सावधान हो जा, तू गिरने वाला है। अच्छी तरह से उसने मेरे को पकड़ लिया, बहुत ताकत थी,
मैंने हाथ भी नहीं लगाया उसको, मैं स्वयं गिरा था, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। एक कुंटल सच्चा बाल बोला मार डालता पर मालूम नहीं कैसे फेंक गया। नोटों की फूलों की वर्षा हो गई। प्रताप यादव की कमाल है, मेरी सब कुछ बात की देन है, कैसे मालूम नहीं इस कंप्यूटर में ऊपर वाले ने क्या क्या डाला था। तो बाप दादा को थैंक्स। लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार अपने पिता की अवतरण भूमि मधुबन में जरूर आइएगा, जो वर्ल्ड की फेमस जगह है माउंट आबू, जहाँ अपने परम पिता परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ है। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार अपने पिता की अवतरण। इसमें बस तीन चार ही नाम है डीवीडी का, क्या ज्यादा फिर नहीं, किनको किनको डीवीडी चाहिए नाम लिखवा देंगे, नोट करवा देंगे ना। बहुत ही अच्छे से भी बाद में बनेगा, बहुत सुंदर ढंग से बनेगा। शुरू से तीनों दिन तक जितना आप लोगों ने किया है, तो जिनको डीवीडी चाहिए इसके बाद ताकि घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो लोग नाम लिखवा देंगे। और शाम को भी देखूंगा पर चिंता नहीं करूंगा, पर दर्शन नहीं करूंगा, किसी को दुखी नहीं दूंगा। इन चीजों का व्रत करने से वो हमारा पिता हमसे खुश हो जाएगा, वरना वो हाल हो जाएगा। हाथ में तो माला पहने झटपट हाले होठ, हाथ में तो माला पहने झटपट हाले होठ, और पेट में तो पात गड़बड़े जिसकी लगे ना निशानी चोट, ये हाल हो जाएगा। फिर उस पिता का कहना है, थोड़ा सा तैयारी कीजिए। फिर उस पिता का कहना है, बच्चे रंग में रंगे जाओ। स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का कहना था, बच्चे रंग में रंगे जाओ। बेचारे भोले भक्तों ने सोचिया रंग में रंगा जाओ, कोई लाल कपड़े में रंगा गए, कोई पीले कपड़े में रंगा गए, कोई भगवा कपड़े में रंगा गए। उस पिता का कहना था, बच्चे रंग में रंगा जाओ। कौन सा रंग? ईश्वरी रंग, ज्ञान का रंग। इस रंग में हमें रंगना है, गरबा छोड़ के जंगलों में नहीं भगना, नहीं भगना प्यारे भाई बहनों। अपने कृषि व्यवहार में रहना है, गंदा बिजनेस करना, अपने परिवार का ही पालन पोषण करना है। यह है राजयोग, ये हठयोग नहीं है कि आपको गरबा छोड़ा देंगे। फिर उस पिता का कहना था, बच्चे उपराम उपवास करो, उपधनवास, इस दुनिया से उपराम हो जाओ, हमारा वास उस प्यारे पिता के पास हो। फिर भगवान ने कहा, बच्चे अपनी घोटों को नशा चढ़े। नेक्स्ट, तो मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं क्यों आया हूँ, वापस मुझे कहाँ जाना है। तो सत्य ज्ञान राज्यों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, जरूर पहुंचिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।